Hello, good evening, and welcome back uh, to our batch of CF final audit, and in which we had started with our discussion on professional ethics and liabilities of auditor. क्या डिस्कस किया था हमने अभी ब्रीफली टॉक अबाउट द फैक्ट के uh, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर इंस्टीट्यूट अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई करके रखता है और uh, हर प्रोफेशन के ऊपर एक कंडक्ट होता है इसी कारण से उसे एक प्रोफेशन कहा जाता है बिकॉज इट इज रेगुलेटेड और ये कंडक्ट डिपेंडिंग ऑन उन प्रोफेशनल्स की क्या मार्केट से इनफैक्ट सोसाइटी में क्या पोजिशनिंग है एक्सपेक्टेशन है उसे सोच के उनके एक्ट में उन्हें क्या पावर्स दिए गए उसे सोच के बनाया जाता है नॉर्मली ये कोड ऑफ कंडक्ट आपको बताएगा कि आप क्या क्या कर सकते हो क्या क्या नहीं कर सकते हो और इंस्टीट्यूट का जो कोड ऑफ कंडक्ट है जिसे कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं जिसका नाम चैप्टर का प्रोफेशनल एथिक्स है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है वॉल्यूम वन टू और थ्री जो कि तीन बुक्स हैं मैनुअल्स हैं और हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो वॉल्यूम टू है जो डोमेस्टिक कोड है जिसमें रूल्स दिए ये रूल चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के लिए कंपेरेटिवली ज्यादा डिटेल्ड है इफ आई कंपेरिड विद अकाउंटेंट्स हु आर नॉट इन प्रैक्टिस लाइक इन सर्विस और बिजनेस और कोचिंग तो इसलिए पहले यह समझना जरूरी है कि चार्टेड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कौन है उसके लिए कहते हैं कि जिन्होंने सीओपी लिया है लिया या जो मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस है तो मेंबर डीम टू बीन प्रैक्टिस कौन है जिन्होंने इंडिविजुअली या पार्टनरशिप में कंसिडरेशन के लिए कोई भी डीमिंग सर्विसेज दी है डीमिंग सर्विसेज क्या होती है तो डीमिंग सर्विसेज अपने घर की बात है वहां पे बोला है फॉलोइंग सर्विस दिए क्लॉज वन टू थ्री फॉर अकाउंटिंग सेकेंड परफॉर्म्स और ऑफर्स टू परफॉर्म फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग या फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रिपरेशन वेरिफिकेशन या होल्ड्स हिमसेल्फ आउट टू द पब्लिक एज अकाउंटेंट या फिर कोई भी प्रोफेशनल सर्विस देता है रिलेटिंग टू फाइनेंशियल डेटा ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग ऑडिटिंग या नोटिफाइड सर्विस

एनी और यू आर डूंग एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि एक सीएन प्रैक्टिस को अगर कोई भी अपने दायरे की सर्विसेस से बाहर की कोई सर्विस देना है या बिजनेस करना है तो इंस्टीट्यूट की परमिशन लगती है तो ये वाइड लिस्ट एक सीएन प्रैक्टिस के लिए वरदान है इट्स अ बोन बिकॉज इट हेल्प हिम टू प्रोवाइड मोर सर्विसेस लेकिन अदर दिस इज अ कवरेज नेट ये जाल है कि इनमें से आप कोई भी सर्विस दोगे तो आपको सेम प्रैक्टिस डीम कर लिया जाएगा एथिक्स की पीडीएफ अभी क्लास के बाद मैं टेलीग्राम पे ही शेयर कर दूंगा गूगल ड्राइव पे भी शेयर कर दूंगा लिंक भी दे दूंगा <coughs> तो हमने क्या डिस्कस किया दोस्त वॉट आर द डीमिंग सर्विसेस और हमने देखा कि मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज में आमतौर पर सारे मैनेजमेंट रिलेटेड एरियाज की सर्विसेज कव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं पैसा लेके इन्वेस्ट नहीं कर सकते इन्वेंट्री रिलेटेड एच रिलेटेड वैल्यूएशन ऑफ शेयर बिजनेस मार्केट मार्केट रिसर्च क्वालिटी ऑडिट रिकवरी एजेंट बैंकिंग सेक्टर में काम करना ना 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 रिकवरी कंसल्टेंट के रूप में काम करना इंश्योरेंस फाइनेंशियल एडवाइजरी देना ब्रोकरेज नहीं ले सकते कमीशन नहीं ले सकते कंपनी से एडवाइजर और कंसल्टेंट टू एन इशू बनना बट मर्चेंट बैंकर नहीं बनना अंडर नहीं करना एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल या रजिस्टर्ड वैल्यूअर का, का काम कर सकते हो बन सकते हो पर इसमें ध्यान रखना आप काम जो करोगे वो सीए की जो आम तौर पे सर्विसेज होती है वही होना चाहिए दैट मीन्स यू कैन बी अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड वैल्यू शेयर्स बिजनेसेस बट नॉट प्लांट एंड मशीन सिविल एंड अदर थिंग्स आर डन सिविल्स इंजीनियर्स एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मीन्स सर्विस विच इन्वॉल्व लिटिल और नो प्रोफेशनल जजमेंट आर क्लेरिकल इन नेचर एक क्लक करता है जो यानी कि आप ये कह सकते हो कि दीज आर नॉट रियली स्किल्ड वर्कस डेटा एंट्री टाइम के काम वर्ड प्रोसेसिंग तरह के काम फॉर्म फाइलिंग डेट मॉनिटर करना स्टैचूटरी रिटर्न के ये कुछ एग्जाम्पल्स दीज आर ऑल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेस एक बड़ी काम की चीज जो कल अपन ने डिस्कस करी वो ये थी कि इंस्टीट्यूट मानता है कि अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटिंग भी करता है तो लोग बोलते हैं ओ हो हो क्या जर्नल एंट्री करी है वाह मजा आ गया क्योंकि सीए ने करी है। सही बोल रहा हूं ना बोस अब आपके जमाने में अपन तो क्या करते हैं आपका क्या अपना जमाना है बॉस उमारी क्या है तो आप समझिए दोस्तों कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इंस्टाग्राम पे जाकर एक रील बनाता हूं और मैं रील में बना के आपको इसमें रील में ये कहता हूं कि मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक बहुत ऊपर जाने वाला है तो आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं पर आपका डिस्क्रिप्शन अप्लाई करें और मैं हूं एक चार्टेड अकाउंटेंट तो जैसे ही ये पता पड़ता है मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट तो बहुत सारे लोगों को ऐसे ही विश्वास आ जाता है बोले यार इसके पास कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान होता है तो इसकी बात को ज्यादा वेट दिया जाएगा इन कंपेरिजन टू अ पर्सन हु इज नॉट अ चार्टेड अकाउंटेंट फॉर दैट रीजन इंस्टीट्यूट फील्स

तो आप यह नहीं बोल सकते कि भैया मैं एक सी ए हूं लेकिन मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी करता हूं और कोई ऑडिट स्टार्ट ऑडिट इंटरनल ऑडिट कुछ नहीं करता सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करता हूं क्या इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी इंडिविजुअल नाम से पैसे के लिए तो क्यों मुझे माना जा रहा है सी एम प्रैक्टिस क्यों क्योंकि यह काम तो कोई भी कर सकता है इंस्टीट्यूट कहेगा यू आर रिमेंबर इंडिविजुअली For a consideration, performing management consultancy services, you are deemed to be in practice. It doesn't make any difference whether you are providing these services which do not require any special degree or skills of a chartered accountant. Because remember one phrase always if a CA provides these services, he cannot provide it in any capacity other than that of a chartered accountant. तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी दे रहे हो और आप एक मेंबर हो इंडिविजुअली फॉर कंसिट्रेशन या पार्टनरशिप में फॉर यू विल 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 बी 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 टू बी इन प्रैक्टिस बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था तो एक बार री एम्फोसाइज कर दिया मैंने इसके बारे में डिस्कशन अभी और बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा आगे उससे पहले अपन नोटिफाइड सर्विसेज में दो सर्विसेज थी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और अदर नोटिफाइड अदर नोटिफाइड सर्विसेज कवर करते हैं दोस्तों इसमें रिप्रेजेंटेशन और अदर नोटिफाइड सर्विसेज आती है एक चार्टेड अकाउंटेंट को डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस किया जाएगा इफ ही इन प्रोफेशनल कैपेसिटी इन नॉट पर्सनल कैपेसिटी और एज एन एम्प्लॉय पर्सनल कैपेसिटी का मतलब फॉर नो कंसिडरेशन समझने के लिए आप ऐसा बोल सकते और एज एन एम्प्लॉय अगर आप कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है कि यू आर ए सी इन सर्विस इफ यू आर डूइंग इट फॉर एम्प्लॉयर इफ यू एक्ट एज अ लिक्विडेटर जो कंपनी बंद होती है तो लिक्विडेटर होता है ट्रस्टी कई बार एक ट्रस्ट बना दिया जाता है कोई आदमी चले गया तो उसने अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दे दी और ट्रस्टी इसको दिया तुम इसका ख्याल रखना किसका प्रॉपर्टी का भाभी जी का नहीं कुछ भी तो तुम्हें ट्रस्ट का ख्याल प्रॉपर्टी का ख्याल रखना है और ये प्रॉपर्टी सिर्फ चैरिटेबल काम के लिए यूज की जाएगी और ये तीन ट्रस्टी है इनके डिसीजन पांच ट्रस्टी है इनके डिसीजन मान जाओगे तो इस तरह के रोल्स में नॉर्मली हम किसको ढूंढते हैं एक ऐसा चरितार्थ वाला व्यक्ति ईमानदार इंटीग्रिटी ऑनेस्टी सिर्फ कूट कूट के जिसके अंदर भरी हुई हो कौन है वो चार्टेड अकाउंटेंट तो ऐसे भी आपको अपॉइंट किया तो चलेगा एग्जीक्यूटर डेथ पे विल एग्जीक्यूट होती है आपने सुना होगा तो ये कार्य भी एक चार्टेड अकाउंटेंट कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटर आदमी क्या होता है बेसिकली कोई आदमी आउट ऑफ इंडिया चले गया तो उसने अपनी प्रॉपर्टी का एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया कि इसके पास पूरा पावर है ये बेच नहीं सकता मेरी प्रॉपर्टी पर एडमिनिस्टर कर सकता है कोई भी हमारी प्रॉपर्टी पर अगर किसी प्रकार का कोई इंक्रोचमेंट करेगा अतिक्रमण तो ये उसे रोक पाएगा ऐसे भी काम कर सकते हैं आर्बिट्रेटर मांड वाली करते हैं भाइयों के झगड़े हो गए तो दोनों भाई किसको मानते हैं अपने सीए तो को तो सीए को बैठ के आपस में क्या किया आर्बिट्रेशन कराया अब ये दोनों भाई अगर सीए के ही भाई हैं सीए तीसरा भाई है वो पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा है तो ये क्लॉज नहीं कवर हो रहा है वही बात है पर्सनल कैपेसिटी की आर्बिट्रेटर कई बार कोर्ट भी होता है कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट का ऑफर देता है पार्टीज मान जाती है तो कोर्ट आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देते हैं वो भी चलेगा रिसीवर जब आदमी कोई दिवालिया हो जाता है तो ऑफिशियल रिसीवर उसकी पूरी पूरी प्रॉपर्टी को अटैच करता है उसको लिक्विडेट करता है जो पैसा आता है उस पैसे से लाइबिलिटी को पे ऑफ करता है ये काम भी कौन कर सकता है एक चार्ट काउंट प्लस इन सब के अलावा तो अभी तक तो यहां पर आता है कोई भी टैक्स मैटर पे अगर आप एडवाइस देते हो या रिप्रेजेंटेशन देते हो <coughs> रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज क्या होती है कृपा करके आपको मैं कुछ टर्म्स चलो आज साफ साफ एकदम अपनी क्लास में इन टर्म्स को क्लियर कर लेते दोस्तों आ जाओ कुछ टर्म्स आपके सामने अलग अलग समय पर आएंगे वी आर डिस्कसिंग जस्ट सम कॉमन कंफ्यूजिंग टर्म्स आपको कई जगह एक शब्द देखने को मिलेगा अटेस्टेशन सर्विसेस कई बार आपको एक शब्द मिलेगा अश्योरेंस ऑडिटिंग इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट का ही नाम था ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस तो ऑडिटिंग एंड एथिक्स हो गया पहले था तो फाइनल में मैं पहले दिन स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता था कि ऑडिटिंग और एश्योरेंस में क्या फ़र्क है और अगले दिन से बच्चा आना ही बंद बोले हैं हल तो क्वेश्चन पूछते कोई एग्जाम में थोड़ा ना ऐसा आएगा कि ऑडिटिंग और एश्योरेंस का फर्क बताओ सब्जेक्ट के नाम का मतलब बताओ सर कोई मतलब ही नहीं है सब पढ़ने का हटा तो छोड़ दिया फिर हमला पूछो ही मत बता ही दो फिर एक होता है रिप्रेजेंटेशन एडवाइजर ये कुछ टर्म्स है मैं ये नहीं बोल रहा है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है मैं आपको थोड़ी सी समझाने की मेरी कोशिश करता हूं आप समझने की करना कोई एक तो सार्थक होगा अपने प्रयास में सीआईएस इज सी एन सर्विस अटेस्टेशन सर्विसेज़ का मतलब होता है वेर यू बेसिकली अटेस्ट विच मीन्स ईदर सर्टिफाई और रिपोर्ट ऑन एनी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा on which third, which is known as external parties, मेरे लाइन आपको काफी काम आएगी ये टर्म्स इन जनरल चीजों को समझने के लिए इसके एग्जाम्पल होते हैं कंपनी ऑडिट टैक्स ऑडिट जब आप ऐसा करते हो तो आप अटेस्ट कर रहे होगी जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इंडिया जहाँ भी लागू होते बने सेम इन टैक्स अश्योरेंस इज बेसिकली पार्ट ऑफ अटेस्टेशन सो अटेस्टेशन में जब आप रिपोर्ट बना के थर्ड पार्टी को आश्वस्त कर रहे हो तो ये अटेस्टेशन है अश्योरेंस अटेस्टेशन सेम ही चीज है हाँ लेकिन ये जरूर हो सकता है कि हो सकता है कि आप अश्योरेंस इंटरनल दे रहे हो इंटरनल ऑडिट में भी एक तरह का अश्योरेंस है बट वो इंटरनल पार्टीज के लिए थर्ड पार्टी के लिए नहीं है तो वो टेस्टेशन नहीं है तो अश्योरेंस का मतलब क्या होता है बेसिकली जस्ट गिविंग रिपोर्ट और अ सर्टिफिकेट वो अर अबाउट वैलिडिटी और ये बहुत कॉमन लैंग्वेज में लिमेंट टर्म्स में समझा रहा हूँ इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पे ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है पर आपको ये टर्म्स बहुत जगह यूज आएंगे तो समझ में आएगा तो अश्योर अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर डेटा बेसिक डिफरेंस क्या है अटेस्टेशन एक तरह का अश्योरेंस है और तो जरूरी नहीं है कि ये एक्सटर्नल ही होगा Could be data or thing. Auditing is basically the process of verifying, and it is usually a term which is used with reference to financial statements. यू में ऑडिट एनीथिंग आई मीन हो सकता है कि कोई आपसे चुनाव के रिजल्ट ऑडिट करा दे बट यूजली ऑडिट टर्म यूज की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कॉमन टर्म्स में रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज डू नॉट इन्वॉल्व एनी एश्योरेंस दिस इज बिगेस्ट डिफरेंस सो ये तीनों आपस में दे आर सिमिलर इफ नॉट द सेम इट इन्वॉल्व नो एश्योरेंस हम किसी प्रकार का कोई एश्योरेंस नहीं दे रहे नो no. assurance is involved. it only involves representation of facts provided by the client. it even does not involve verification of those facts. whereas advisor is a consultancy service. <clears throat> okay. तो ये टर्म्स मुझे बताओ क्या इस तरह की चीज़ तुमको लग रहा है कोई यूज़ की है क्या कभी तुम्हारे मन में ऐसे सवाल आए भी हैं कि एश्योरेंस और ऑडिट में क्या फ़र्क होता है या नहीं आए आए तो भी बताओ नहीं आए तो भी बताओ तो मुझे समझ में आए इस तरह की चीज़ों का कोई यूज़ क्लास में है या नहीं है कितना है हालांकि ये जो बताया इसका तो है तो अगर आप एडवाइजर या रिप्रेजेंटेशन का काम करते हो कोई भी कॉस्टिंग फाइनेंशियल या टैक्स मैटर पे तो भी आप डीम टू बी इन प्रैक्टिस हो जाओगे डीमिंग सर्विसेज का पार्ट हो जाओगे पहला दूसरा इफ यू टेक अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और कोर्ट ऑफ लॉ और एनी लीगल अथॉरिटी और एक्ट एज अ सेक्रेटरी तो आप इन लोगों का क्या अपॉइंटमेंट ले रहे हो अपॉइंटमेंट में भी एज ए लिक्विडेटर एज एन आर्बिट्रेटर एज अ कंसल्टेंट ऑन कॉस्टिंग टैक्सीशन मैटर तो कई बार होता है सरकार हो सकता आपको है आपको अपॉइंट करता है एज अ कंसल्टेंट के भाई आप इकनॉमिक मैटर्स पर हमें कंसल्टेंसी दोगे Hosting मैटर्स पे फाइनेंशियल मैटर्स पे कोई कमेंट नहीं आया अभी तक जो मैंने सवाल पूछा अच्छे कईयों को तो मुझे लग रहा है चैट करना ही नहीं आता है दोस्तों जो भी लोग बता रहे हैं आज चैट करने का तरीका बताइए आपको ऊपर आपको जहाँ पे सब्जेक्ट का नाम दिखेगा उसको क्लिक करिए क्लिक करने पे आपका एक चैट बॉक्स ओपन होगा वहाँ पर आप फिर चार्ट लिख सकते हैं आपको मेरी चैट दिखेगी मुझे आप सबकी चैट दिखेगी नाइस like कूल No 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 चलिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट ऑफ लॉ होता है लिक्विडेटर अपॉइंट करता है तो अगर आपने ये काम भी लिया है या आपको सेक्रेटरी अपॉइंट किया है तो भी क्या मान लिया जाएगा कि आप सेम प्रैक्टिस हो प्रोवाइडेड आप इसे सैलरी कम फुल टाइम बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट के रूप में नहीं ले रहे तो अगर आप एक फुल टाइम एम्प्लॉई बन गए भारत सरकार के तो ऑब्वियसली बात है कि फिर आप सी प्रैक्टिस नहीं और इसी के ऊपर क्वेश्चन आया था कहाँ पे मे ट्वेंटी फोर की सी ए फाइनल गेट न्यू कोर्स के पहले अटम्प में आई जस्ट शो यू दैट क्वेश्चन क्या बात कर रहे हो सर कुछ भी उठा के पूछ लेते हैं कई बार ऐसा लगता है पेपर ऐसे बनाते हैं पंखा चालू कर देते

तो आप क्या करते हो हाँ ऑडिट इज रीजनेबल एश्योरेंस जैसा इंटर में पढ़ा था बोला था बहुत बढ़िया तो एश्योरेंस अलग अलग डिग्री के होते हाई मॉडरेट लो फुल एश्योरेंस इज सर्टिफिकेशन हाई इज ऑडिट मॉडरेट इज रिव्यू लो एश्योरेंस जैसा कुछ होता नहीं कर अब आप समझो अब सीए कर रहे थे पहले एट में नहीं हुआ तो अपन ने बोला चलो सी कर लेते हैं साथ में अपन ने घर ही रखा था बैकअप रखना चाहिए क्यों क्योंकि भैया अगर रस्सी पर चल रहे हैं ऊंची बंदी हुई है तो नीचे नेट तो चाहिए तो वो नेट थी हमारी सी एस सी ए में कि वहां से गिनेंगे यहाँ रुक जाएंगे तो साथ में सी एस हो गया हमारा सी ए के साथ साथ सी ए हो गया हमारा सी ए चल ही रहा है और एक दिन सी ए भी हो गया इंस्टीट्यूट को रियलाइज हुआ कि अरे हमारी गलती हो गई हम इस हीरे को पाए चांद नहीं पाए अब आपके पास तीन डिग्री है ऑब्वियस सी बात है सबसे आखिरी में सी आई तो आपको सबसे ज्यादा कदर उसकी है तो आपने सी ए प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट लेके प्रैक्टिस शुरू कर दी अब आपके पास आया एक कॉस्टिंग रिलेटेड मैटर कॉस्टिंग अपना बहुत ही भयंकर स्टॉक था क्यों क्योंकि अपन ने क्या है ओल्ड कोर्स से न्यू कोर्स तक आए थे तो अपन ने खूब कॉस्टिंग पढ़ा था आजकल सी एम उतना कॉस्टिंग का नॉलेज नहीं बच रहे पर हमारा बहुत मजबूत है तो हमारे पास कोई कॉस्टिंग का काम आया हमने बोला चलो ले लेते तो हमें कॉस्ट एडवाइजरी सर्विसेज मिली हमने वो काम ले लिया हमने काम लिया और मस्त उस पर फीस भी चार्ज कर दी अब हमारे पास सी इंस्टीट्यूट से एक नोटिस आ गया किसी ने छेड़ा होगा बोला होगा और उन्होंने लिखा कि तुम हमारे मेंबर हो सीएमए हो तुम और तुमने कॉस्टिंग का काम लिया है वो भी पैसे के लिए इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो तुम डीम टू बी जैसा प्रोविजन सीएम है वैसा ही सीएमए में भी हो और तुमने सीओ भी नहीं लिया है तो हम तुम्हें गिल्टी होल्ड करेंगे हमने बोला ओ, ओ, ओ क्या है ये हम सीए की प्रैक्टिस कर रहे हैं और सीए की प्रैक्टिस में कॉस्टिंग एडवाइजरी देना इंक्लूडेड है उस रिश्ते से हमने कॉस्टिंग एडवाइजरी दी है

हाथ में सीए और एक हाथ में सीएम दोनों की प्रैक्टिस क्या एक साथ मैनेज करी जा सकती है इस एक की नहीं आप दो की बात कर रहे हो तो सीएम इंस्टीट्यूट बोलता है कोई दिक्कत नहीं आप सीए का सीओ पी लेके बैठे हो हमारा भी ले लो हमें कोई दिक्कत नहीं है पर आप पहले आईसीआई से पूछ लो और आईसीआई को दिक्कत होती इनफैक्ट उल्टा है सीए इंस्टीट्यूट कहता है हमें कोई दिक्कत नहीं है आप ले लो पर सीएम इंस्टीट्यूट नहीं देता पता है क्यों उसका कारण ये है कि सी इंस्टीट्यूट को मालूम है कि अगर सीए लोगों ने सी एम किया है और उन्होंने दोनों की सीओपी ओ पी ले लिए तो सारा काम किसके पास जाएगा वो सी ए प्रैक्टिस जो सी इन प्रैक्टिस का भी सीओपी लेके बैठा है तो जो हमारे लोग कोर्स सी करके बैठे उनको काम ही कम मिलेंगे तो इसके लिए सी और अदर इंस्टीट्यूट अलाउ नहीं करते आईसीआई कहता है कि सी ए की सीओपी के साथ साथ आप तीन और सीओपी ले सकते हो अगर आप एल हो एडवोकेट की सीएमए की कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जिसे पहले सी डब्ल्यू बोलते थे और सी एस कमी सेक्रेटरी यू कैन होल्ड थ्री सीओ पी दी अदर इंस्टीट्यूट अलाउ बट रियल फैक्ट है कि ये तीनों इंस्टीट्यूट अलाउ नहीं करते तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अपन क्या लिखेंगे क्या ड्यूल सीओ बी होल्ड करना अलाउड है मल्टीपल सीओ पी होल्ड करना अलाउड है बोलेंगे तीन इंस्टीट्यूट की सी ए कर सकता है इफ दी अदर इंस्टीट्यूट परमिट और इतना करके छोड़ देंगे बाकी फिर क्वेश्चन जो बताएगा उस हिसाब से आंसर दें पहली चीज दूसरी चीज तो हमने सीएम इंस्टीट्यूट को बोला अच्छा ऐसा है तो लाओ सीओपी दे दो तो। उन्होंने बोला तुमको सीओपी चाहिए तो तुम आईसीआई का सीओपी छोड़ो हमने बोला भाई आईसीआई का सीओपी छोड़ देंगे तो कल दिन आईसीआई भी वैसे ही नोटिस देगा जैसे आज तू नोटिस दे रहा है उसने बोला बात में दाम है और हमारे सीए भी बहुत कम है तो हमने बोला भाई अगर बात में दम है तुम्हारे सीए में कम है तो क्या तुम्हें भी मिले सिर्फ हमें बात करो यार सीए इंस्टीट्यूट से और कुछ करो इसका निराकरण तो सीए इंस्टीट्यूट सीएस कंपनी सेक्रेटरी और सीएमए इन तीनों सिस्टर कंसर्न्स ने आपस में कैसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लाए जिसमें ये कहते हैं कि अगर कोई भी मेंबर दूसरा भी डिग्री होल्ड करता है और वो एक का सीओपी लेके बैठा है और वो जो काम कर रहा है उसके सीओपी में अलाउड है लेकिन वही काम दूसरों को दूसरे एक्ट में भी उन्हें डीम टू बी इन प्रैक्टिस मानता है तो दूसरे इंस्टीट्यूट इसमें उसे ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे तो मेंबर इज ऑप्टेड फॉर प्रैक्टिस अंडर सिस्टर कंसर्स इज नॉट डीम टू बी इन प्रैक्टिस अंडर सी एक्ट तो अगर उसने सीएमए का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले रखा है और वहां पे कॉस्टिंग की प्रैक्टिस कर रहा है तो सीए इंस्टीट्यूट उसे डीम टू बी इन प्रैक्टिस नहीं मानेगा अगर वो सीए भी है और कॉस्टिंग मैटर की एडवाइजरी दे रहे हैं क्योंकि उसने वहां का सीओपी ले लिया ऐसे ही यहां का लिया है तो वो उसे डीम टू बीन प्रैक्टिस नहीं मानेगा इसके आगे इट मे आल्सो बी नोटेड दैट अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इज डीम टू बी इन प्रैक्टिस ड्यूरिंग द पीरियड ही रेंडर्स सर्विसेज विद आर्म फोर्सेस आपने सुना होगा पहले ऐसा होता तो था जब स्वतंत्रता तो तो की लड़ाई चला करती थी तो उस समय पर हर व्यक्ति को कुछ समय के लिए अपनी सेवाएं आर्मी को देना होती थी यानी कि हु फिट हैड टू फाइट फॉर द कंट्री इसके लिए कहा कि अगर आपने सी प्रैक्टिस सीओपी ले रखा है और किसी भी कारण से आपको अगर आर्म फोर्सेस में सर्विस करने का मौका मिलता है आप जाते हो तो आपका सीओपी चलते रहेगा आपको बंद करने की जरूरत नहीं इसका मतलब जब आप आर्म फोर्सेस के साथ काम कर रहे हो तब भी आप प्रैक्टिसिंग माने जा सकते हो यानी कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कोई खास एस सच रेलिवेंट नहीं है इतना काम का नहीं है। तो ये आपके कुछ नियम है कायदे हैं कानून हैं प्रोविजन है, है इसके अलावा आपके मॉड्यूल में दिया है बट एज सच कोई रेलिवेंस नहीं है अगर एक चार्ट अकाउंटेंट एक सी ए इन एक चार्ट अकाउंटेंट एक सी एफ फॉर्म में जॉब करता है किसमें सी एफ फॉर्म में तो वो है तो सी ए इन सर्विस क्योंकि वो जॉब कर रहा है एक चार्ट अकाउंटेंट फॉर्म में पर होता है ऐसे केसेस में ऐसा है कि वो भी आर्टिकल्स रख सकता है अपने फॉर्म के अंदर सी होने के कारण और नियम ये कहता है कि आर्टिकल सिर्फ सी एन प्रैक्टिस रख सकते हैं तो इंस्टीट्यूट को या तो ऐसा कहना था कि आर्टिकल दो लोग रख सकते हैं एक जो सी एन प्रैक्टिस है और एक जो सी ए सी ए फॉर्म में जॉब कर रहे हैं उसकी जगह उन्होंने बोला आर्टिकल सिर्फ सी एन प्रैक्टिस रख सकते हैं सी एन प्रैक्टिस कौन है जो सीओपी वर्ल्ड का रखे या डीम टू बीन प्रैक्टिस इसके अलावा एक सीएन सर्विस अगर सीए फॉर्म में जॉब कर रहा है तो आर्टिकल रखने के परपज के लिए उसे डीम टू बीन प्रैक्टिस माना सिर्फ आर्टिकल रखने के परपज के लिए उसे डीम टू बीन प्रैक्टिस माना जाए तो एक सी सी ए फर्म में जॉब कर रहा है तो उसके अंदर भी आर्टिकल रख सकते हैं हालांकि आर्टिकल रजिस्टर उसकी फर्म के नाम से ही होता है बट उसको एलिजिबिलिटी में काउंट करने के लिए नियम बनाया तो ये नंबर ऑफ आर्टिकल एक फॉर्म कितने रख सकती है उसके लिए रेलिवेंट है तो एग्जाम पॉइंट से इसका कोई खास रेलिवेंस नहीं तो कंफ्यूज हो इससे अच्छा है कि उसको हटा दिए चलिए इन सब के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है वो एक्सक्लूजन्स पे आता है तो ध्यान रखना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अंडर राइटिंग ब्रोकिंग सर्विसेज मर्चेंट बैंकिंग ये सब प्राइवेटेड है ये एक सी प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता आप प्रैक्टिस में नहीं हो कंपनी बना के करना चाह रहे हो तो बात अलग है पर आप प्रैक्टिस में हो तो ये नहीं कर सकते परमिशन भी मत मांगना हम नहीं देंगे चलो फटाफट कुछ क्वेश्चन देखते हैं सी एज ऑल्सो अ कंपनी सेक्रेटरी और अ कॉस्टन मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सी एस सी एम एंस्टीट्यूट वेदर विल बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस वर्ल्ड के इज कवर्ड अंडर टू टू अभी हमने डिस्कस किया स्पेशल एग्जाम से सी एन सर्विस इज डीम टू बी इन प्रैक्टिस इफ एंगेज इन डीमिंग सर्विसेज तो अगर वो एज एन एम्प्लॉय बन के ये सर्विसेज दे रहा है तो नहीं और अगर वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में दे रहा है तो यस मैं आपसे एक मस्त सवाल पूछता हूँ चलिए भाई किसी को जॉब में जाना है तो बताए वॉन्ट्स टू गेट इन टू सर्विस और कौन सी ड्रीम कंपनी अगर आपकी तो बताओ क्यों बताए सर आपको हम हमारी ड्रीम अरे ड्रीम कंपनी पूछा रे और किसी का नाम नहीं पूछा हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कराता ऐसे में तुम्हारे बहुत काम की चीज हो सिर्फ एफ आर ऑडिट में ही काम नहीं आऊंगा एग्जाम के बाद प्लेसमेंट्स में भी तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद करा दू भारत का ऑल इंडिया हाईएस्ट पैकेज में थर्टी एट लैक्स पास्ट करियर्स नाम की एक संस्थान जिस क्लाइंट के लिए काम करती है उस क्लाइंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया जिसके पूरे रिक्रूटमेंट्स फास्ट करियर्स करवाता है सी एफ एशर्स थर्टी एट लैक्स पैकेज साल की अड़तीस लाख क्या बात कर रहे हो सर हाँ अभी तो हमें महीने के पांच हजार खुद दाने दाने डालने के रूप में मिलते थर्टी एट लाख रुपीज दिलवा दोगे आप हमें चलिए हम दिलवाते नहीं हम तो फैसिलिटेटर से बस इसलिए हो सकता है तुम्हारी वर्ल्ड ड्रीम कंपनी हो और उसी का अपन काम करवा दें कुछ तो मौके दिलवाने में मदद कर दे ऑबियस सी बात है वो कंपनी और आपका प्रोसेस होता है हम तो सिर्फ मीडिएटर्स हैं जो पोस्टमैन का काम करते हैं आपका वहाँ तक पहुँचाने <coughs> अडानी ओ हो 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 क्या बात है <laughs> बोले आगे जो जाएगा वही दो साल जॉब करना है चलिए तो आप क्या हुआ दोस्तों समझिए अपन किसमें <coughs> देखते हैं नेहा कंपनी और, और आजकल वर्क कल्चर कैसा हो गया है सुबह नौ बजे पहुंचने का पांच बजे खाता छह बजे घर पे चीज़ से लॉर्ड ऑफ टाइम आदत नहीं है ता, फ्री टाइम की तो नेहा किया है आफ्टर सिक्स ओ क्लाक चीज स्टार्टड प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी नेहा के क्या थे हाइस्ट मार्क्स आए थे ऑडिट के बाद टैक्स तो उसने टैक्स कंसल्टेंसी शुरू कर दी जितने भी उसके एम्प्लॉज साथ में काम करते हैं इज़ वर्किंग इन टी बहुत सारे सॉफ्टवेयर वाले बंदे साथ में उनको किसी वो समझ आता नहीं इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह बड़े परेशान हो रहे थे एक दिन बात कर रहे थे यार रिटर्न कैसे फाइल करेंगे किसी ने बोला यार ऑनलाइन एक ऐप है वहाँ से फाइल कर देंगे दो हजार में फाइल हो जाता है नेिया ने बोला चिल आई विल फाइल इट फॉर यू जस्ट एट फाइव हंड्रेड रुपीज पर रिटर्न क्या बात कर रहे हैं मतलब आप समझो इन्फोसिस के पांच सौ एम्प्लॉय तैयार हो गए बोले यार नेहा से रिटर्न फाइल करवा देते हैं चार्टेड अकाउंटेंट है बढ़िया पांच सौ रुपये में काम हो जाए क्या नेहा को डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस माना जाएगा <coughs> of course, 100 number one, individual capacity में वो टैक्स एडवाइजरी या प्योर आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस दे रही है रिटर्न फाइल करने

तो वो डीम टू तो बी इन प्रैक्टिस नहीं है ये वो क्वेश्चन वो समझाना जा रहा है आई होप दिस इज क्लियर ठीक है भाई चलिए तो तो इन प्रैक्टिसन टू इट्स विल शी गेट ए सीओपी इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है परमिशन लेना पड़ेगा करना चाहिए क्या इतना एफर्ट डाल के कोई दिक्कत नहीं है ऐसे भी दोस्तों बचपन से अपने को स्टाइपन से ज्यादा मजा जो पैसा वाउचर्स पे कन्वेंस पे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस में बचता था उसमें आता था सैलरी तो फिक्स इनकम है उसमें रुझान मजा नहीं है असली कमाई तो ड्यूएल सीओ पी सी एस एडवोकेट सी एम ए के साथ परमिटेड है इन तीन के साथ आई सी आई का कोई प्रोइविशन नहीं है दूसरे कोई प्रोफेशन के साथ एक याद नहीं है आई होप दैट इज ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू दिस इज बेसिकलीक्शन टू practice. चलिए दोस्तों तो लेट्स सी क्वेश्चंस आओ कुछ क्वेश्चन लगा दे। ये वाला थो, थोड़ा सा डायरेक्ट है चार्टेड अकाउंटेंट प्रैक्टिस प्रोवाइड मैनेजमेंट एंड अदर सर्विसेज टू क्लाइंट नो प्रॉब्लम 2015 गोइंग नीड्स ऑफ क्लाइंट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक प्रॉब्लम ऑन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसनेज पोर्टफोलियो ऑफ क्लाइंट इज प्रेस के कारण दिक्कत है सर अगर ये सिर्फ इतना बोलते हैं एडवाइस ऑन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस नो प्रॉब्लम ऐसा नहीं है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस नाम आ गया तो आगे पीछे क्या लिखा है पढ़ा नहीं सीधे बोल दिया अपन ने की गिल्टी मिसकंडक्ट ऐसा नहीं पी कॉम में एक बार हमारे साथ हुआ था हिंदी का पेपर बहुत टफ आता था सबकी बैंड बज भी रहती थी हिंदी के पेपर में तो हमारे क्या होते थे उस समय पेपर आउट हो जाते थे बी कॉम के एक दिन पहले रात को इंपॉर्टेंट निकलते थे दस क्वेश्चन उसमें से पांच सटीक बैठते थे सबसे टफ होता था निबंध किस पे आएगा क्योंकि बहुत सारे होते थे याद नहीं कर पाते थे तो पता पड़ जाए कि इस पे आएगा तो वही याद कर ले तो जो पेपर आउट हुआ था उसमें आया था महात्मा गांधी पे निबंध आएगा सबने बढ़िया पढ़ लिया महात्मा गांधी के निबंध किसी ने मुन्ना भाई भी देख लिया अगले दिन पेपर आया मस्त लोग बाहर आए अपना दोस्त भी बाहर आया उसने बोला बोले यार मस्त गया पेपर हिंदी का ही डर था निकल जाएगा हमने बोला यार निबंध में क्या किया बुला रहे तेरे पास आई एम भी नहीं आया था क्या महात्मा गांधी पे आना था वही आया लिखा है अपन तो बापू के बारे में पढ़ थे हमने बोला भाई पढ़ जरा बोला पढ़ना क्या तो जब पूरा क्वेश्चन पढ़ा गया तो उसमें बताया ये था कि आपको निबंध लिखना है और सेंटेंस पूरा लिखा हुआ था महात्मा गांधी को जिसने मारा हमने बोला भाई ये क्या किया तूने पढ़ा नहीं बोला वो तेरी आगे का ये अगली लाइन में लिखा था तो जिसने मारा ये तो हमने पढ़ा ही नहीं हमने महात्मा गांधी देखा मुद्दे में ही खुश हो गए तो ऐसा नहीं करना कभी एग्जाम में प्लीज तुमने बोला पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोहिबिटेड ये शब्द आ गया गिल्टी ऐसा नहीं प्लीज पूरा पढ़िए और उसके बेसिस पर आंसर दीजिए तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस का मतलब क्या है जहां पे आप फंड्स लेते हो तो ये एक्चुअल में ऐसा ही है मैनेज पोर्टफोलियो ऑफ सम क्लाइंट्स तो इसके लिए ही गिल्टी है अब क्वेश्चन का आंसर पढ़ना है तो सिर्फ इसलिए कि आंसर कैसे लिखना है उस एंगल से आप इसको पढ़ सकते हो अदरवाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड सी एन नटराज इन प्रैक्टिस एक्सेप्टेड एडवाइजर एंड कंसल्टेंट टू पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर बाय हिज क्लाइंट सुपर लिमिटेड हेल्पिंग द एज एडवाइजर Remaining share were underwritten by bank, other financial institution at same commission. He contends, he states, argues that above assignments are part of management consultancy work permitted by the council of the institute. Do you agree? No. Underwriting is not. Others are yes. He will be guilty. Rest you can go through. CRH.

बढ़िया क्वेश्चन एक मिनट का ब्रेक लेते हैं और पूछिए आपके अगर कोई सवाल है इससे रिलेटेड अभी तक जो पढ़ा है उससे रिलेटेड फिर आगे बढ़ेंगे बताए एनी डाउट प्लीज शेयर टिक टिक वन oh wonderful questions coming up i am loving it mm -hmm. nice but mm -hmm. one second

तो क्या होगा तो आप गिल्टी हो क्योंकि एक चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस फॉर कंसिडरेशन सॉरी अगर आप एक सी एन सर्विस है और फॉर कंसिडरेशन कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिससे आप डीम टू बी इन प्रैक्टिस हो तो डीम टू बी इन प्रैक्टिस जाओगे पहले सी ओ पी लेना था किसके इसके नाम से किए उससे फर्क नहीं पड़ा पहली चीज दूसरी चीज तो एग्जाम में आंसर होगा गिल्टी रियल लाइफ में अगर आप पूछ रहे हो टिप्स तो भैया उसके पैसे नहीं दिए तुमने तो मैं नहीं बताऊंगा पर चलो सुन लो नंबर रियल लाइफ में अगर तुमने ऐसा किया और बाद में पकड़ में आ गए कि तुमने ऐसा किया है तो तुम दो काउंट पे गिल्टी होगे एक तो इंस्टीट्यूट तुमको डीम टू बीन प्रैक्टिस मानेगा दूसरा इनकम टैक्स बोलेगा डाइवर्जन ऑफ इनकम अगर उसको फर्क पड़ता है तो अगर पकड़ में आ गए पर सर अगर मैं पकड़ में ही नहीं आऊं क्योंकि पकड़ में कैसे आऊंगा तो दोस्त चीटिंग इज एन आर्ट टिल यू गेट कॉट चोर वही जो पकड़ा जाए अदरवाइज हाथों की सफाई जादू मतलब दोस्त ये है कि जब अपन पढ़ते हैं तो अपन हमेशा ये मान के चलते अपन एग्जाम की बात करते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ है तो वो डिटेक्ट हो जाएगा और हो जाएगा ये अज्यूम करते हुए अपन आंसर देते हैं कि भैया ये इसका आंसर करके आप भूल के अभी एग्जाम में ये मत लिख के आ जाना कि चार्टेड अकाउंटेंट इज कॉट डूइंग दिस ही विल बी हेल्प इट इज प्रिज्यूम्ड आप नहीं करोगे ऐसा बट क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के लिए बता रहा हूं आई होप दैट हेल्प्स टू नॉट जस्ट गेट आंसर टू योर क्वेश्चन बट ऑल्सो अंडरस्टैंड whatever we are reading we are assuming that if you do anything wrong you will be get caught sorry you will be caught and if you are caught what is going to happen if you don't get caught in real life nothing happens to you but we don't answer like that next there's another question which says uh, can i do teaching along with corporate job as a chartered accountant oh, 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 then you should talk to me for sure as soon as you clear your chartered accountancy. चलिए तब मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा एनी चोस चार्टेड अकाउंटेंसी के साथ साथ क्या आप टीचिंग कर सकते हो बीइंग अ प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट इसके ऊपर काफी गहन डिस्कशन होगा और ये अपन बात करेंगे क्लॉज इलेवन में बाद में आएगा द आंसर इज यस बट एस्टेरिक अप्लाई नेक्स्ट चलिए नो अदर क्वेश्चन भैया नहीं है ना क्वेश्चन तो ऐसा भी लिख दिया करो नो क्वेश्चन सर चलने दो अरे लिखो दोस्त कमान सर्वर हैंग हो जाना चाहिए अरे बोले नहीं सर ऐसा मस्त बैठे अपन आप बहुत दूर हो कीबोर्ड पे बहुत दूर है हम बढ़िया यहाँ पर काउच में बोलने को काउच में लकड़ी की बेंच है उस पर मस्त टिका के बैठे सुन रहे मजा आ रहा है चलिए रजिस्टर्ड मेंबर पे आते हैं सेक्शन सेक्शनटीन क्या कहता है सेक्शन ऑफ द अकाउंटेंट एक्ट प्रोवाइड्स दैट चार्टाउं इंक्लूडेड इन रजिस्टर अबाउट एवरी मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट हार आप मेंबर कब बनोगे जब आपका नाम रजिस्टर मेंबर में चढ़ जाएगा कब चढ़ेगा वो अपने कल डिस्कस कर दिया था यही होने पे आपका नाम चढ़ जाएगा आपको अप्लाई करना पड़ेगा फीस भरनी पड़ेगी और जो नाम आपका रजिस्टर में चढ़ेगा उसमें क्या क्या डिटेल्स लिखी जाएगी तो आपका पूरा नाम जन्म तारीख कहाँ के हो आप रेजिडेंशियल और प्रोफेशनल एटर्स इस दिन नाम एंटर हुआ इस दिन से आप मेंबर कहलाओगे लाओगे आपकी बी वगैरह दूसरी जो भी है वो मेम्बरशिप फॉर्म में पूछते हैं कि आपके पास सी ओ पी है और कई सारी दूसरी चीज़ फॉर्म जो एप्लीकेशन का आता है उसमें लिखते हैं इंपॉर्टेंट है क्या ऐसे कभी क्वेश्चन आया तो नहीं है ठीक है मट्यूल में है तो पढ़ लो क्वेश्चन परफेक्ट नेक्स्ट वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्टिफिकेट प्रैक्टिस यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है इसका मतलब यह है कि इफ यू आर अ चार्टेड अकाउंटेंट जो मैं आपको लाइन कह रहा था वो यही है अ सी ए कैन प्रोवाइड सर्विसेज ऑर्डिनरली प्रोवाइडेड by a chartered accountant you can say as given in 22 two. only in the capacity of a chartered accountant and in no other capacity किसी ने पूछा है कि आई एम डूइंग बिजनेस बिफोर ऑपटेनिंग सी और आप आगे भी अगर सी नहीं ले रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना है आप ऑलरेडी बिजनेस में हो और अब आपको सी लेना है तो आपको इंस्टीट्यूट को बताना पड़ेगा परमिशन लेना पड़ेगी भाई तो यही है बिजनेस में इंस्टीट्यूट को ठीक लगेगा तो आपको परमिशन दे देंगे और सी दे देंगे ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है तो एक केस हुआ था एसी ए सी का इन्होंने कुछ लफड़े करे तो इंस्टीट्यूट ने इनकी सीओपी सरेंडर करवा दी छह महीने के लिए सस्पेंड कर दी छह महीने तक अब ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते इन्होंने बोला भाई घर का चूल्हा तो जलाना पड़ेगा पालना पड़ेगा तो इन्होंने अपने ऑफिस से सारे चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह के नेम बोर्ड वगैरह सब हटा दिए और ये एज एन इन इनकम टैक्स कंसल्टेंट काम करने लगे इनके गली मोहल्ले में ऐसे बहुत थे ये भी एक बन गए लोग आने लगे काम चलने लगा इंस्टीट्यूट को पता पड़ गया तो वापस से पहुंचे इनके पास इनको बोला आपको छ महीने तक सीओपी सरेंडर कराइए फिर भी आप यह काम कर रहे हो यू यू आर टू बी इन प्रैक्टिस एंड बिकॉज डोंट हैव अ सीओपी यू आर गिल्टी इन्होंने बोला हाउ एम आई डीम टू बी इन प्रैक्टिस बिकॉज आई हैव सेड दैट आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट गिविंग इनकम टैक्स कंसल्टेंसी आप देख लो कहीं मैंने बताया भी नहीं और कम वक्त में कैसे अपना घर चलाऊंगा अगर मैं ये सब काम ही नहीं करूंगा तो तो बताइए दोस्तों क्या काहिर साहब को गिल्थी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा 101 परसेंट माना जाएगा इंस्टीट्यूट ने इस केस में कहा कि ए सी यू यू आर अ मेंबर कैन प्रोवाइड दीज ओनली इन द कैपेसिटी ऑफ अ मेंबर एंड इन नो अदर कैपेसिटी विद सर्विस इवन इफ दे डू नॉट रिक्वायर स्पेशलाइज डिग्री लाइक सी एर स्पेशलाइज नॉलेज ऑफ सी ए बट अ सी ए प्रोवाइडिंग दीज सर्विसन प्रोवाइडेड ओनली इन द केसिटी ऑफ अ चार्टेड अकाउंटेंट बिकॉज यू डोट है सी ओ पी यू कैनोट प्रोवाइड इट यू आर डीम टू बी इन प्रैक्टिस विदाउट सी ओ पी यूर अगेन गिल्टी ये इसका डिसीजन था एक सी एन प्रैक्टिस अगर आप हो तो आपका सी ओ पी होल्ड करना अनिवार्य है और ध्यान रखना पहले सी ओ पी आएगा फिर उसके बाद आप अपनी सर्विसेज ऑफर करोगे कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगी एक सर्टिफिकेट एक चार्ट अकाउंटेंट सी ए बनने के बाद प्रैक्टिस करना चाहता है सीओ पी के लिए अप्लाई किया और प्रैक्टिस शुरू कर दी चलेगा नहीं जब तक आपका सीओपी आएगा नहीं आप प्रैक्टिस शुरू नहीं कर सकते सीओपी का सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आपका सीओपी सस्पेंड है तो आप किसी और कैपेसिटी में भी काम नहीं कर सकते क्योंकि अ चार्टेड अकाउंटेंट ऑलवेज विल प्रोवाइड एनी सर्विसेज विच आर नॉर्मली प्रोवाइडेड बाई चार्टेड कैपेसिटी ऑफ अकाउंटेंट सो यू कै नॉट प्रैक्टिस ऑनलिस सीओ पीजें इट कैन बी कैंसल्ड बाय द काउंसिल अंडर सर्कमस्टांसिस सो प्रिस्क्राइप्ड वील सी दिस पर्टिकुलर

तो देखो दोस्त तो भी आप गिल्टी हो क्यों क्योंकि आप और किसी कैपेसिटी में जा ही नहीं सकते ये फ्रेज का मतलब ये नहीं है कि मैं सीए के नाम से यह सेवाएं दे रहा हूँ सर्विसेज दे रहा हूँ ये फ्रेज का मतलब है कि मैं किसी और के लिए जाके रिप्रेजेंटेटिव का, का काम करूँ अब इसी बात है अगर हमारा खुद का केस लगा और वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम खुद जाके वहाँ पे सबमिशन दे रहे हैं तो आई एम नॉट वर्किंग इन द कैपेसिटी ऑफ एन एजेंट और अ कंसल्टेंट और एडवाइजर टू अ पार्टी आई एम एग्जीक्यूटिंग थिंग्स फॉर माई ओन सेल्फ दैट इज नॉट कवडियन

इस पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को मैंने अभी तक अपनी किताब से जान करके आपकी किताब से जान करके हटाया नहीं है पर आइडियली आपको यह क्वेश्चन इग्नोर कर देना चाहिए क्यों क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स की धज्जियां उड़ा देता है मई 2018 का क्वेश्चन है एग्जाम का मिस्टर डाइस प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट ऑर्डर टू सरेंडर हिज सीओपी एंड ही वॉज सस्पेंडेड फॉर वन ईयर ऑन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगेंस्ट हिम During the period of suspension, Mr. Dice, designating himself as GST consultant, did work of filing GST return and make appearance as consultant before various tax authorities. So, GST consultant banjia suspension ke he contended there was nothing wrong as like other consultant he could take such work and his engagement in no way violates the orders of suspension. Is he right in his contention? And in the answer they have given, yes, Mr. Dice is not guilty.

नॉन कंसल्टेंट कंसल्टेंट टैक्स सर्विस टैक्स जब आया था तो उसका काम सीए के पास था वैट अटके जब जीएसटी आया और सर्विस टैक्स उसके साथ मर्ज हो गया तो लोगों को समझ में आया कॉम्प्लिकेटेड है, है सीए के पास जाना पड़ेगा जैसे ही मैंने कहा सीए के पास जाना पड़ेगा इशू क्या सीए तो के पास एक साथ बहुत सारा काम गया <clears throat> तब इंस्टीट्यूट थोड़ा सा फिसल गया तो इंस्टीट्यूट ने एक एफ निकाले जीएसटी के ऊपर जो आज भी पब्लिश है दिन में कहा कि अगर एक चार्टेड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में नहीं है और जीएसटी रिलेटेड वो सिर्फ सर्विसेज देता है तो उसे डीम टू बी इन प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा जिसमें उन्होंने कहा कि एक चार्ट अकाउंटेंट अगर कहीं सेमिनार लेता है और उसमें उसको किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन दिया जाता है वो उसे एडवर्टाइज कर सकता है अपनी वेबसाइट पे दिखा सकता है जबकि ये सब प्रोहिबिटेड है इन जनरल दूसरी चीज़ों के लिए उसमें कहा गया कि कहीं आपको क्लाइंट से कोई टेस्टिमोनियल मिल रहे हैं तो आप उसे अपनी वेबसाइट पर दिखा सकते हो टेस्टिमोनियल यानी फीडबैक होते हैं ना जैसे आप सी बन जाओगे नाइन्टी मार्क्स लाने वाला कौन था कल बोल रहा था एक आए तो आप बोलोगे ना अपने स्टेटमेंट में कि मैं अपनी सफलता का श्रेय निन्यानवे प्रतिशत खुद को और एक प्रतिशत अपने पेरेंट्स और अपने भगवान को देना चाहता सर परसेंट नहीं बचा नहीं तो आपका नाम जरूर लिखते कोई दिक्कत नहीं हम तुमसे बात करेंगे बोले यार एक परसेंट तो देते हैं एनी तो होता है ना टेस्टिमोनियल भाई रैंकर बोलता है यार मित्र चौट चौपड़ा था बस उसी से पढ़ा और कुछ नहीं तो ये कहीं अलाउड नहीं है सीए के लिए बट जीएसटी का जो एफ एक् आया ना उसमें सब अलाउ किया था उन्होंने वो दो हजार सत्रह अठारह की बात है उस समय वो रिलेवेंट था अब क्वेश्चन भी नहीं आते इसके पर ये परेशानी है ये क्यों रखना पड़ा है इसका कारण ये है कि अगर मैं क्लास में इसे कवर नहीं करूंगा और आपने कहीं और उठा के पढ़ लिया इसको फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे और क्या होता है दोस्तों फिर ये बन जाएगा अननोन डेविल अभी ये नॉन डेविल है पहचाने हुए दुश्मन से लड़ना आसान है अनजाने दुश्मन से लड़ना बहुत मुश्किल है इसके लिए अब अपने को पता ही है ऐसा है तो अगर ये सेम क्वेश्चन आएगा तो आंसर सेम लिखा जाएगा हाल की आप भले ही ये लिख दो कि भैया अगर आप सीए की कैपेसिटी में करते हो तो आप डीम टू बी इन प्रैक्टिस माने जाते हो किसी तरह से मैनेज करना पर आया नहीं कभी भी ये दो हज़ार अठारह के बाद कोशिश भी बहुत करी इंस्टीट्यूट से बात बात करके इसको ओवरटर्न करने की तो इन्होंने नए मटेरियल वगैरह सब जगह से हटा दिया ये बट इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आज तक नहीं है क्यों क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन है वो जीवन में अपनी गलती नहीं मानने वाली क्योंकि वो इंसान नहीं है वो मानते भी नहीं है सब इंस्टीट्यूट सर कोई ऐसा मेथड है क्या जिससे मैं सी और एडवोकेट दोनों का जीओपी होल्ड कर सकूँ वो बार काउंसिल तुमको अगर दे दे तो मिल जाएगा वहाँ पे जुगाड़ जमाना पड़ेगी सी ओ को कोई प्रॉब्लम नहीं अब एक चीज़ समझना हो सकता है ये सारी बातें करने के बाद किसी के मन में ऐसा एक फीलिंग आ रहा है कि सर मुझे नहीं करना आप सी ए है कि प्रैक्टिस और सी नहीं लेना मुझे अपना काम करना है इंडिविजुअल कैपेसिटी में बट नहीं करना मेरे को सी के नाम से मुझे इन सब बंदिशों में नहीं फंसना है तो भैया आप डिग्री सरेंडर कर दो तो, सी नहीं अगर आपने मेंबरशिप ही आपकी सरेंडर कर दी जो कि परमिशन है ऐसा नहीं है कि आपको मेंबरशिप मिल गई तो आजीवन आपको रखना ही है तोकना ही है ये कोई भार नहीं है आपके कंधे पर यू कैन एनी पॉइंट ऑफ टाइम इंस्टीट्यूट को लिख दो कि आई वांट टू सरेंडर मेंबरशिप सरेंडर हो जाएगी ऐसा नहीं फिर वापस मिल जाएगी वन फॉर ऑल सरेंडर वंस फॉर ऑल अगर आपने सरेंडर कर दी फॉर एवर के लिए तो फिर आप बाहर हो गए आप मेंबर ही नहीं हो मेंबर ही नहीं हो तो ये सारा कोड आपके ऊपर लग ही नहीं रहा फिर आप अपने आपको चार्टेड अकाउंटेंट भी नहीं बोल पाओ तो ये सारा डिस्कशन है सीओपी सरेंडर हो रही है उसका मेंबरशिप परमानेंटली सीज हो रही है उसका नहीं मेम्बरशिप टेम्परली भी सरेंडर होगी तो भी आप मेंबर माने जाओगे सब्जेक्ट टू सम पीरियड आपकी सर्विसेज सरेंडर है तो भी आपके ऊपर ये प्रोविजन लगेंगे चलो तो अब बात करते हैं अपन की मेंबरशिप से हटने के क्या तरीके हैं पहला तरीका आप सीओ मोटो ऑन योर ओन अपनी इच्छा से बोल सकते हो इंस्टीट्यूट को कि ये लो इंस्टीट्यूट में अपनी मेंबरशिप त्याग रहा कई तो बार होता है लोग अपना इंस्टीट्यूट के प्रति ये दर्शाने के लिए कि वो नाखुश हैं उनकी नीतियों से सरेंडर करते हैं। कर दी तो फिर गई अब इसी बात है डेथ के केस में चली जाएगी अगर कोई डिसेबिलिटी सेक्शन एट के आपके ऊपर आ गई अपन डिस्कस करेंगे यानी आप डिसीफाई हो गए तो भी चली जाएगी या कोई भी ऐसा रीजन जिसके कारण आपको लगता है कि आपकी मेंबरशिप जिस कारण से आना चाहिए थी या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो खत्म हो गए तो मेंबरशिप जा सकती है ऐसे कोई भी कारण जो कंडीशन है आपकी मेंबरशिप की इन सबके अलावा मेंबर्स को हर साल एक फीस देना होती है ये फीस अगर आपने ड्यू डेट पर नहीं दी तो आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से हटा दिया जाएगा ड्यू डेट होती है फिर अगर आपने ये फीस एक महीने लेट जमा कर दी तो वापस से आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में रख दिया जाएगा बट सवाल उठता है कि मेरा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में कब आएगा तो थर्टी एथ सेप्टेंबर वॉज द ड्यू डेट टू पे द फीस विच आई मिस्ड एंड आई पेड दिस फीस लेट से ऑन थर्टी फर्स्ट ऑक्टूबर तो यहां जैसे ही तीस सितंबर निकला इधर क्या होगा रजिस्टर ऑफ मेंबर से मेरा नाम स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा और यहां पर मेरा नाम री इंस्टेट हो जाएगा एंड इट विल री इंस्टेट विथ इफेक्ट फ्राम थर्टी एथ से ब्रेक ऑफ मेंबरशिप नहीं मानी जाएगी नहीं तो आप सी ओ पी लेते हो ना तो आगे बहुत दिक्कत आती है जब आप टेंडर वगैरह में अप्लाई करते हो ना तो कई जगह पूछते हैं कि आपके मेंबर का कितना कंटिन्यूस ईयर्स का प्रैक्टिस का या मेम्बरशिप एक्ट तो फिर अब आप ब्रेक हो गया तो आपको बोलना पड़ेगा अभी में दो साल से या एक महीने या छः महीने से ही मेम्बर पुराना टर्म खत्म हो जाता है तो रीस्टेट हो जाएगी पर कब से रेट्रोस्पेक्टिवली प्रोवाइडेड फीस इज पेड विद इन द ईयर का मतलब सी एक्ट में होता है अप्रैल टू मार्च तो सी तीस सितंबर की थर्टी फर्स्ट मार्च तक आप पे कर दोगे तो रेट्रोस्पेक्टिव अगर आपने छह महीने से ज्यादा लेट कर दी तो फिर जिस दिन फीस होगी की पे उस दिन से आपकी मेंबरशिप वापस मिलेगी इंटरम पीरियड की गई ठीक है तो रिस्टोरेशन की बात करते अब अपन रिस्टोरेशन से पहले मैं आपको सेक्शन एट बढ़ाता हूँ किस केसेस में आपकी मेंबरशिप डिसबिलिटी डिसक्वालिफिकेशन जिस कारण से आप मेंबर नहीं बन सकते सेक्शन एट कहता है इफ़ यू अट्रैक्ट एनी ऑफ दिस डिस्किलीफिकेशन यू विल नॉट बी अम्बर व्हाट आर दिस डिस्कालीफिकेशन नंबर वन यू आर लेस देन ट्वेंटी वन ईयर्स ऑफ एज तो अगर आपकी इक्कीस साल की उम्र नहीं है और आपकी सारी एग्जाम्स क्लियर हो गई है हो सकती है कभी तो जब तक ट्वेंटी वन ईयर्स टच नहीं करोगे मेम्बरशिप के लिए अप्लाई मत करना कर भी दोगे तो मिलनी नहीं है तो पहली आपकी कंडीशन है यू शुड भी एटलीस्ट ट्वेंटी वन ईयर्स ऑफ एज बेसिक सेकेंड अनसाउंड माइंड जैसे ही अपन ने बोला भाई अनसाउंड माइंड के हुए तो उस केस में आपको सीए की डिग्री नहीं देंगे तो लोगों ने बोला भाई अनसाउंड माइंड का ही आदमी तो सीए करता है क्यों क्योंकि एक स्वस्थ मस्तिष्क एक साउंड माइंड पर्सन विल नेवर एंटर इनटू दिस काइंड ऑफ अ कोर्स सीए प्रोबेबली इज द ओनली कोर्स वेयर इफ इन केस द क्लास गेट्स कैंसल्ड द स्टूडेंट्स इज ओ नो माय कोर्स इज गेटिंग डिलेड व्हाई डिड यू कैंसल द There is no other course like this. Student खुश नहीं होता क्लास में ये मैं कौन ऐसा कोर्स करेगा साउंड माइंड आदमी करेगा आप बताओ हो आप साउंड माइंड बताओ मुझे नहीं बताओ अभी बताओ डू यू थिंक यूर ऑफ साउंड माइंड तो कोर्ट ने लॉ ने भी बोला पार्लियामेंट ने भी बोला बात तो सही है तो फिर अपन कुछ एड करो तो उन्होंने बोला भैया अनसाउंड माइंड और ऐसा वैसा अनसाउंड नहीं सर्टिफाइड बाई कोर्ट प्रमाणित सर्टिफाइड अनसाउंड माइंड की सर्टिफाइड पागल है ये इसके लिए कहा गया सर्टिफाइड एज एन अनसाउंड माइंड एंड इज एडजस्ट सो बाई कॉम्पिटेंट कोर्ट कोर्ट में ये प्रूव हो चुका है कि भाई क्या है किसके अनसाउंड माइंड देन इन दैट केस योर डिग्री गॉन ऐसा हो गया कि भैया सी ए बनने के बाद कोई अनसाउंड माइंड का हो गया समझ लो तो आप सीए बन गए आपकी डिग्री शिग्री सारी आ गई और सब कुछ कंप्लीट हो गया और इसके बाद आपके सीए ने आपको आर्टिकल जिप पर बुला लिया बोले बाकी ये मैंने फॉर्म तो साइन कर दिया था पर तेरे थोड़ी आर्टिकल जिप बाकी पूरी कर नहीं करेगा तो कितने इतना तो गुस्सा माइंड का गई बेटा डिग्री गई तुम्हारी नेक्स्ट टाइम डिस्चार्ज इंसॉलमेंट आप समझते हो इंसॉलमेंट का मतलब जिसकी लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाती है एसेट से तो वो अप्लाई कर देता है कि भैया दिवालिया जब आप दिवालिया के लिए अप्लाई करते हो तो क्या होता है एक ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट होता है सारी आपकी संपत्ति इकट्ठी करता है जितनी लाइबिलिटी इकट्ठा करता है और फिर देखता है ओके लाइबिलिटी इतनी है और एसेट्स इतनी है फिफ्टी पैसा इन आवेलेबल है पैसा रुपी. और वो सारा पैसा बांट देगा उसके बाद फाइनली बोलेगा कि अब इस आदमी को फॉर्मेट कर दिया है यानी इसकी सारी एसेट खत्म और जितनी एसेट से जो लाइबिलिटीज थी वो सेटल हो गई इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसके पास तो उसको इस दिन सर्टिफिकेट मिल जाता है ना यू आर अ डिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट तो आज से पहले की अब आपकी जितनी भी लाइबिलिटीज थी अब आपसे वो आदमी कोई भी पैसे नहीं मांग सकते लेकिन आज के बाद से अब आप नए कांड शुरू कर सकते हैं इसका मतलब अब आप, आप क्या कर सकते हो नाउ यू कैन अगेन स्टार्ट ट्रांजैक्टिंग तो अगर आप अनडिसचार्ज इंसॉल्वेंट हो जब तक आपको वो सर्टिफिकेट नहीं मिला है तब तक आप क्या है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो जब तक आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो आपकी डिग्री सस्पेंडेड है सीजनिय जैसे ही आप डिस्चार्ज हो जाओगे इंसॉल्वेंसी से और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप सेटल हो गया बस तो क्या डिग्री वापस मिल जाएगी इंस्टीट्यूट डिग्री वापस नहीं देगा आपको अगर आपकी इंसॉल्वेंसी का कारण अदर देन मिसफॉर्च्यून था यानी अगर आप ये प्रूव कर दो कि भैया बैड लक था बिजनेस नहीं चला शिवाजी द बॉस आई हैव सीन दैट मूवी है शिवाजी द बॉस आते हैं बिजनेस शुरू करते हैं पॉलिटिशियंस पूरे बिजनेस को बिगाड़ देते हैं उनको दिवालिया निकालना पड़ता है सारा कुछ खत्म हो जाता है उनके पास से फिर फाइनली एक रुपए का बच्चा सिक्का बच्चा है जिसे वो क्या उछालता शेर का रास्ता अपता था देखी किसी न छोड़ो तो पवन जी और डिस्चार्ज अगर आपको ये प्रूव कर दे आप कि मेरी इंसॉल्वेंसी का गा कारण बैड बैडलग था बिजनेस नहीं चला कोई मिसकंडक्ट नहीं किया था मैंने कुछ गलत नहीं किया तेलगी वाला स्कैम नहीं किया हर्षद मेहता जैसा कुछ नहीं किया तो आपको डिग्री वापस दे देंगे नहीं तो नहीं देंगे क्स्ट यू आर कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इनवॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड इंडियन पिनल कोड में डिफेंड इमरल एक्ट एंड पनिशेबल विथ ट्रांसपोर्टेशन और इमेंट तो आपने कोई ऐसा इमोरल एक्ट किया है जिसमें इंप्रिजनमेंट या ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन काला पानी पहले जेल कम घर जाती थी तो वहां भेज देते थे अंडमान निकोबार जहां पर तो अभी लोग पे इसी देखिए घूमने के, के लिए जाते नी चीज तो इफ यू आर कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड इमोरल एक्ट का विच इज पनिशिबल विथ ट्रांसपोर्टेशन उसे छोड़ो ट्रांसपोर्टेशन और इम्प्रेजनमेंट पहले यहां तक पढ़ते हैं लेट मी आंसक यूर क्वेश्चन इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए अ सी एन प्रैक्टिस इज हेल्ड इज कन्विकेड बाय अ अच अंडर इंडियन पीनल कोड नाउ इट इज बिकम भारतीय नाय संहिता और मॉरल टर्पिट्यूट Under section XYZ in which up to three months imprisonment and or fine may be announced, sentenced or rewarded, awarded both there. सी ए वॉज ओनली अस्ट टू पे फाइन इज ई डिस्कालीफाइड यस नो इतनी मेहनत करिए <clears throat> इससे आप थोड़ा सा लॉ को पढ़ना भी सीख पाओगे आता है आप लोगों को पर ठीक है थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा कमान यार एक बार सब लोग चैट पे यस नो कुछ लिखो मेरे को लग रहा है कहीं वो चैट करने ही नहीं आते पीछे बैकहेंड पे देखो ये लंबी लिस्ट थी चैट आती नहीं है लिमिटेड आती है Is he guilty or not? First correct answer, Farzana, very nice. He will be disqualified because the term used is as he is convicted, convicted as in found guilty of an offense involving moral turpitude. इज पनिशेबल विथ इंप्रेजनमेंट वॉट इज नॉट इंपॉर्टेंट इज वेदर ही हैज बीन अवॉइडेड इंप्रेजनमेंट और नॉट यह इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त कि उसको इंप्रेजन किया या नहीं इंपॉर्टेंट यह है कि जिसके लिए आपको गिल्टी दोषी पाया गया है वो ऑफेंस में जुर्म में

ये ऑफ आपको जेल करिए या नहीं करिए माना जाएगा कि आप डिस्कालीफाई पहला दूसरा यह आपने कोई ऑफेंस किया है जो टेक्निकल नेचर का नहीं है टेक्निकल नेचर का मतलब क्या होता है अभी आपको नहीं बताता और हो गया जैसे लच्चे फॉर एग्जाम्पल आप घूम फिर के कहीं बाहर से यहाँ आ रहे थे दुबई से इंडिया आ रहे थे और थोड़ा सा गोल्ड लेकर आ गए वो आपको पता नहीं था कि गोल्ड अपन लिमिट से ज्यादा ले है। अब आ गए कस्टम्स ने आपको रोका रोका और फिर पूछा क्यों कोल्ड आए हो तो आपने बता दिया कि हाँ इतना लेकर आए वहाँ से उन्होंने बोला भैया आपने डिक्लेयर ही नहीं किया आपको फॉर्म भरना चाहिए था ड्यूटी भरना चाहिए थी मैं पता नहीं था सॉरी टेक्निकल नेचर का ऑफेंस ऐसा नहीं है कि कुछ अपन ने ऐसा तो आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया है विच इज़ कमिटेड बाय हिम इन प्रोफेशनल कैपेसिटी जैसे कि केतन पारे क्या हर्षद मेहता आपने सुना होगा तेलगी इनके फ्रॉड से तो इन दोनों केसेस में मान लिया जाएगा दोस्त कि अब आप डिस्कालीफाई हो गए हो लेकिन अगर आपको कोर्ट से पार्डन मिल जाए या सरकार आपकी डिसेबिलिटी रिमूव कर तो वापस मेंबरशिप मिल जाएगी तो समझो आपने कोई आर्टिकल को किडनैप कर लिया और तो पट्टा ही नहीं रहा था जब अपना टाइम था एकदम सितंबर का टाइम था तो ऑडिट का ही नहीं रहा था तो किडनैप ही कर डाला पकड़ लिया उसको घर वालों को पता ही नहीं है एकदम ऑफिस में किडनेप सिंगल सोलो आर्टिकल था खूब काम कराए फिर उसको छोड़ दिया भाई ने कंप्लेन कर दी भाई मॉरल टर्पिट्यूड के लिए हमको गिल्टी कर दिया अंदर जेल कर दी तीन महीने के लिए तीन महीने हम जेल में रहे हमने बहुत अच्छा काम किया वहाँ पे दो तीन को तो हमने सीए फाउंडेशन की भी तैयारी करी हमारे निकलने के बाद एक की तो रैंक भी आई आती नहीं, नहीं थी, है फाउंडेशन में रैंक पब्लिश ही नहीं होती पर ठीक है मान लें तो हमारा आचरण बहुत अच्छा था तो आप जाके कोर्ट को दुआई कर सकते हो कि भैया हम अच्छे नागरिक बन गए हैं तो कृपा करके अब हमारे जो जुर्म हो जिसकी सजा हम काट चुके हैं उनसे हमें मुक्त कर दीजिए तो कोर्ट आपको एक पार्डन सर्टिफिकेट दे देगा तो उस केस में फिर आपको वापस इंस्टीट्यूट मेंबरशिप दे देगा या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपको ऐसा दे दे तो और फाइनली इंस्टीट्यूट के पास भी पावर है कि वो आपको कोई प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी होल्ड करके आपकी डिग्री छीन सकता है तो इंस्टीट्यूट से बच के रहना डर के नहीं रहना बच के रहना चलिए बढ़िया तो ये सब क्या थी डिसेबिलिटीज़ इन सब में क्या होएगा आपकी मेंबरशिप जा सकती है हो सकता है कुछ केस में वापस भी आ जाए अब अगर आपकी मेंबरशिप वापस आ रही है तो कब से आएगी पहला अगर फीस समय पे नहीं दी आपने पर सेम ईयर में दे दी तो इसे रेट्रोस्पेक्टिवली आपकी मेंबरशिप रीस्टेट हो जाएगी अगर आपका नाम बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन या डिसिप्लिनरी कमेटी यानी कि सी इंस्टीट्यूट ने आपका नाम हटाया क्योंकि आपने कोई गड़बड़ करी है या अपीलेट अथॉरिटी हाईकोर्ट ने हटाया और फिर बाद में रिस्टोर भी बोर्ड ने किया या जो ऑर्डर दिया था उसके बेसिस पे हुआ जैसे इंस्टीट्यूट ने बोल दिया छः महीने के लिए नाम हटा रहे हैं तो छः महीने बाद रिस्टोर भी किया तो ऑर्डर अनुसार भी और बाकी सारे केस में जिस दिन से रिस्टोर हो रही है उस दिन से होगी यानी प्रोस्पेक्ट तो ये रिस्टोरेशन के प्रिंसिपल्स हैं जो आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए चलिए बहुत अच्छी बात है ने जितने भी जवाब आए सब यहां दिख रहे हैं वो अच्छे दिख रहे हैं बढ़िया है सही दिया है एनी डाउटीन एल्स अपन आगे बढ़ते बोलून यस एनी डाउट ऑल क्लियर थम्स अप ठीक come on, come on, है तो ये आपका पूरा प्रोविजन हो जाता है किसका डिसेबिलिटी का रिस्टोरेशन का नाम हटाने का इसके अलावा कैंसिलेशन की बात की है, अगर कभी आप गलत डिटेल दे देते हो एप्लीकेशन करते हो फीस नहीं भरते हो कैंसिल होगी रिस्टोरेशन की बात मैंने कर ली क्या होगा रिस्टोरेशन में जब भी आप करते हैं तो आपको फीस भरना पड़ती है और एक एप्लीकेशन भी देना पड़ती है कि भैया हमारा नाम रजिस्टर कर उसकी कोई अलग से फीस भी ले सकता है इंस्टीट्यूट मैक्सिमम दो हज़ार याद रखने की ज़रूरत नहीं है चलिए किसी ने पूछा है सर ऑडिट में सारी टेक्निकल लैंग्वेज लर्न लेंग करनी है क्या जैसे फॉर एग्जाम्पल जहाँ मैं इंपॉर्टेंट मार्क करूँगा वहाँ फोकस कर लेना बाकी नहीं टेक्निकल जारगन नेचुरली आना शुरू हो जाएगी क्लास का एक फ़ायदा ये भी होता है जब आप रेगुलर क्लास करते हो तो कई चीज़ें जो बार बार आती है वो दिमाग में फिट हो जाती है फिर लिखी हुई रहती है पढ़ते हो तो भी आप ध्यान देते हो चार्टड अकाउंटेंट के नॉट वर्कॉम एनी सर्विस ऑर्डनरली प्रोवाइडेड बाय चार्टेड अकाउंटेंट इन एनी कैपेसिटी अदर देन दैट ऑफ चार्टड अकाउंटेंट इतनी बार बोलेंगे अपन के दिमाग में फिट हो जाएगा ये टेक्निकल जागरण है बार बार यूज़ होएगी तो आ जाएगी जैसे इंटर पढ़ पढ़ के आपके दिमाग में कुछ चीज़ें विट हो गई होगी ना नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर असर्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट भले ही समझ नहीं आता असर्शन ही क्या बट टर्म आती है रीजनेबल एश्योरेंस मटीरियल मिस स्टेटमेंट वेदर डू टू फ्रॉड्स तो अपने आप क्या इतनी बार पढ़ेंगे नहीं आ जाएगी चिंता मत करो पर अलग से एफर्ट मत डालना याद करने के लिए ना नॉट कुछ चीज इंपॉर्टेंट होगी तो मैं माफ करा दूंगा उस पर डाल दे बाकी जो नेचुरली आ रहा है वही चलिए अब आते एक अगले इंपॉर्टेंट प्रोविजन पे सेक्शन सेवन ये किसके ऊपर है अ मेंबर इन प्रैक्टिस प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग अ डेजिग्नेशन अदर देन चार्टेड अकाउंट सेक्शन सेवन कहता है कि अगर आप एक सी एम प्रैक्टिस हो तो आप चार्टेड अकाउंटेंट के अलावा कोई डेजिग्नेशन यूज़ नहीं करोगे अब कम वक्त ये डिजिग्नेशन क्या होती है चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं समझो ये एक विजिटिंग कार्ड है आपका प्रोफेशनल स्टेशनरी विजिटिंग कार्ड ठीक है दोस्त उसमें आपने अपना नाम लिखा है ये आपका नाम है अनुष्का कोहली है। बढ़िया है सर नाम से पहले जिसे आप लिखते हो इसे कहते हैं प्रीफिक्स दीज आर नेम सी एस सी ए लिखना है तो सीए लिखते जो नाम के पीछे लिखा था है, उसे कहते हैं सफिक्स आप अपने आप को जो बताते हो कि मैं एक कंसल्टेंट हूं मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ सेक्रेटरी हूं मैं एक पोर्टफोलियो मैनेजर हूं मैं एक ट मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो ये क्या है ये है अपने आप को आप जैसे डेजिग्नेट कर रहे हो तो इसे कहते हैं डेजिग्नेशन कई बार डेजिग्नेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन डायरेक्टर ऑफ सो एंड सो कंपनी इसके अलावा आप विजिटिंग कार्ड पे देखते हैं अपन अपने डिग्रीज को थ्रू एब्रीविएशन शो करते हैं शॉर्ट फॉर्म्स जैसे बी कॉम ए सी ए सी एस एम कॉम एल एल बी दीज आर फ्यू डिग्री फॉर डिटेल रेफर एंड एक्शन पढ़ी लिखी लड़की तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है तो इसी की गाइडलाइन अपन पढ़ रहे हैं। गाइडलाइन का रूल क्या है लॉजिक है प्रीफिक्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यानी आपको सी ए प्रेफिक्स लगाना है सी एस प्रेफिक्स लगाना है दोनों लगाने है लगा दो पहले सी एस बाद में सी ए लिखना है लगा दो अगर आपने डॉक्टरेट कर रखी है पी एच डी करी और सी ए करी है तो आप डॉक्टर सी ए लिखना चाहते हो चलेगा सी ए डॉक्टर लिखना चाहते हो चलेगा।, चलेगा सफिक्स के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं है यानी एक्ट में ना मना किया है ना हाँ बोला है तो इस बारे में कोई बात ही नहीं की गई है इसलिए एग्जाम में पूछते भी नहीं और ज्ञान के लिए बता रहे डेजिग्नेशन और डिस्क्रिप्शन पे ही सारा थोड़ा है सारी रोकटोक है सारा रिस्ट्रिक्शन उसके बाद में बात करेंगे रही बात डिग्रीज की डिग्रीज आप सिर्फ उन अगर ये डिग्रीज कोई यूनिवर्सिटीज जो कि रेकग्नाइज यूनिवर्सिटीज है यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत यूनिवर्सिटीज रिकग्नाइज हैं उनकी है या कोई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशनस हैं जैसे आईसीए किसी इंस्टीट्यूशन को अप्रूव कर दे जैसे पहले आई एम वगैरह में डिग्री नहीं होती थी वो डिप्लोमा देते थे पी जी डी एम तो डिग्री आती है आई सी आई ने अप्रूव कर रखा था कि आई एम आई आपके कोई भी अगर डिग्रीज आ रही है तो आप दिखा सकते हो डिप्लोमा बता सकते हो और कुछ ऐसे फॉरेन बॉडीज हैं जिनके साथ हमारा एम ओ यू एम आर ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट जैसे कि सी पी ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैनेडा इनके साथ हमारा कैसा है एक ऐसा एम ओ यू किया हुआ है कि वो लोग इधर आके कुछ एग्जाम देके सीए की डिग्री ले सकते हैं हमारा सीए वहां वहाँ जाके उनकी कुछ एग्जाम देके उनकी डिग्री ले सकते हैं अगर आप इनकी डिग्री यहां पर ऐसे एब्रीवियस में डिनोट कर रहे हो नॉट एज डेजिग्नेशन तो अपने आपको ए सी एस लिखना मतलब यू आर एन एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया लेकिन वहीं पर लिखना कंपनी सेक्रेटरी मीन्स यू आर डेजिग्नेटिंग योर सेल्फ एज अ कंपनी सेक्रेटरी डेजिग्नेटिंग योर सेल्फ एज अ कंपनी सेक्रेटरी इज नॉट बट राइटिंग द डिग्री इज परमिटेड बिकॉज सी एस सी एम आर अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन बी कॉम एल एल बी इफ़ इट इज़ फ्राम एन अप्रूव रेकग्नाइज यूनिवर्सिटी यू कैन मैं जस्ट फॉर योर नॉलेज लेट मी टेल यू सी पी ए सी एफ ए आर नॉट होता है ना सी पी एस ए सी एफ एस ए वगैरह जो भी है आर नॉट परमिटेड क्यों क्योंकि इन इंस्टीट्यूट्स को आई सी आई ने परमिट नहीं किया तो आप इसे करो कोई प्रॉब्लम नहीं है पर आप ये डिग्री इन द फॉर्म ऑफ अप्रीवियेशनस भी नहीं यूज़ कर सकते डेजिग्नेट करना तो बहुत दूर की बात और सर ये सब अपन किसके लिए पढ़ रहे हैं तो ये जितना भी मैंने आपको बताया ये सबके लिए एक जैसा है वेदर यू आर ए सी एन प्रैक्टिस और नॉट इन प्रैक्टिस फर्क अगर है तो सिर्फ एक जगह डेजिग्नेशन एक चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के लिए कहा है कि वो चार्टेड अकाउंटेंट के अलावा कोई डिजिग्नेशन यूज नहीं कर सकता तो इफ यू आर अ सी एन प्रैक्टिस स यू विल ओनली यूज चार्टेड अकाउंटेंट सी एज एन चार्टेड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन सिर्फ सीए नहीं पूरा चार्टेड अकाउंटेंट जो लिखते हैं ना वैसा सिर्फ यही यूज कर सकते लेकिन अगर आप सीएन प्रैक्टिस नहीं हो बॉस तो इंस्टीट्यूट ने बोला है या तो आप चार्टेड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन यूज करो या दूसरी कोई भी और कितनी भी करो और दोनों एक साथ मत करो मतलब लॉजिक सिंगल सिंपल है दोस्त तुम्हारी शादी हो गई है तो फिर तुम्हें घूमने जाना है तो बस उसी के साथ जान नहीं गए किसी और के साथ नहीं जाना गलत हो जाएगा हाँ तुम्हें उसके साथ भी नहीं जाना अकेले जाना है वो चलेगा बट किसी और के साथ नहीं तो अगर आप प्रैक्टिस में हो तो सिर्फ चार्टेड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन वो भी, भी है तुम्हारी या हस्बैंड उसी के साथ या कुछ मत करो ये बट अभी सिर्फ सगाई हुई है सर शादी नहीं है तो तुम्हारे पास परमिशन है कि या तो तुम जिसके साथ सगाई हुई है उसी के साथ घूमो अकाउंटेंट तुम्हारी या फिर जो भी जो भी भी तुम्हारी पुरानी है दूसरी है उनके साथ घूमो दोनों साथ में करोगे तो समझ रहे मामला बिगड़ जाएगा टूट जाएगी सिंपल समझ में आ गया खत्म नो रिस्ट्रिक्शन सफिक्स नो no प्रोविजन Degrees in short forms, if it is from approved university, sorry, recognized university, approved institutions, or a foreign bodies with which ICI has done an agreement, no permission, no problem. This is same for CN practice and other CS designation. If you are a CN practice, you can use chartered accountant. No else. If you are not a CN practice, then you can either use other designations or you may use chartered accountant. बट नॉट टूगेदर बोथ ऑफ दिन कि इस पर्टिकुलर केस में अनुष्का कोहली को गिली माना जाएगा अब अगर वो सपोज पर एग्जाम्पल क्या है सीएम प्रैक्टिस है तो भी गिल्टी नहीं है तो भी गिलतीन प्रैक्टिस है तो उनको डायरेक्टर मैन इन ब्लू लिमिटेड यूज नहीं करना चाहिए और अगर वो सीएम प्रैक्टिस नहीं है तो भी गिल्टी क्योंकि उन्होंने चार्टेड अकाउंटेंट और डायरेक्टर दोनों साथ में यूज़ किया दोनों में से कोई भी एक कर सकते थे तो गिल्टी है तो इस रियलिए आपको बुलाएगी इसमें एरर क्या है बस एरर बस इसी की एरर है और कोई एरर नहीं दिस इज बेसिकली योर प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू वॉट हाउ विल यू डेजिग्नेट योर सेल्फ इन प्रोफेशनल बॉडीज में देखो तुम अपना कहीं बायोडेटा दे रहे हो डिस्क्रिप्शन दे रहे हो किताब में बता रहे हो तुमने ये ये डिग्री हासिल करी है उसमें प्रॉब्लम नहीं है जब भी आप अपने आप को डेजिगनेट कर रहे हो डेजिग्नेट करने की जगह कहाँ आती है वेबसाइट में लेटर लेटरेट्स पे विजिटिंग कार्ड्स पे मे बी ये है लच से फॉर एग्जाम्पल आप अपनी कहीं प्रोफाइल वेबसाइट पर पुटअप कर रहे हो या शो कर रहे हो वहाँ डिजिग्नेट करना तो आप नाम के नीचे जो लिखते हो ना वो डिजिग्नेशन बाकी आप डिटेल्स अपनी देते हो कि भैया हमने ये ये कोर्सेज किए ये उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं तो डेजिग्नेशन में फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने कुछ सवाल रखता हूँ एम बताओ आप इनमें से क्या चलेगा Let's say a designation I am talking about. Is this okay? Let's take some examples. CA Piyush Goyal Member of Parliament इडवाइजर टूस समथिंग वॉट अवे लाइक दिस आपके नॉलेज के लिए इज नॉट अ सी एन प्रैक्टिस भैया इतने बड़े नेता है तो क्या को प्रैक्टिस करेंगे मेहनत करके क्यों पैसा कमाना बताए इज दिस ओके और नॉट ओके ओके okay. क्यों क्योंकि चार्टेड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन यूज नहीं किया तो आप दूसरी जितनी यूज करना है सपोज इफ ही वॉज अ सी एन प्रैक्टिस तो लेट्स लेट्स प्रिपेयर अनदर विजिटिंग कार्ड सी ए P use but double E. Chartered accountant and MP And let's say he's a CN practice and say is not a CN practice. A not okay. As cannot use M P. एम पी तो शॉर्ट फॉर्म है ना नहीं पर दिद्री 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 ना है कोई डिग्री विगरी थोड़ी ना बी नॉट ओके वाई एस के नॉट यूज टू डेजिग्नेश विथ चार्टेड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन आया दोस्त समझ में एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखना भी गलत है चलिए लेट्स टेक another example। तुम्हारे मन में कोई है तो तुम भी लिख के पूछ सकते हो सी किसको बनाए आज चलो शैलेंद्र शर्मा को बना दे शैलन शर्मा डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी एंड इज अ सीएन प्रैक्टिस बताइए दोस्तों आंसर ओके नॉट ओके नॉट यूज एनी अदर डेजिग्नेशन Because you are a CN practice. If you are not a CN practice, then okay. CN practice, B, not a CN practice. So answer A, not okay, B, okay. Oh, sorry. Next. CA, C S Mansi Sharma Chartered Accountant Partner PW Pricewaterhouse. Obviously she is a CN practice Okay or not okay? बताइए क्या मानसी जी को गिल्टी होल्ड किया जाए नॉट ओके एज यू नॉट यूज पार्टनर डेजिग्नेशन वेदर यू यूज पार्टनर पीडब्ल्यू और सिंपल पार्टनर इतना बड़ा मजाक है कि आप पार्टनर रोपराइटर लिखोगे ना तो भी गलत मान लिया जाएगा वो भी सही नहीं है बहुत ही अजीब सी बात है ंग्रेचुलेस नाइस वेर आर यू फ्रॉम सो आया ये समझ में आया आप पार्टनर तक लिख रहे हो तो भी दिक्कत है क्यों क्योंकि ऐसा तो नियम बना रखा है इन लोगों ने कोई दूसरी डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकते भले ही फॉर्म में सर हमारे तो सीए ने लिखा है भाई मेरे रियल लाइफ में देखो ना ऐसी धज्जिया उड़ाते लोग वो पढ़ के तुमने एग्जाम में उसे लिख दिया ना तो फेल हो जाओगे तो इसलिए लोग कहते हैं किताबे और रियलिटी में फर्क होता है बिल्कुल है ठीक है cool. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे तुम्हारे चलो एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेता हूँ किसी को नेतागिरी का शौक है क्या क्लास में है कोई नेता क्लास में तो बताओ नागपुर ओ हो हो आई वॉज देर समाइम्स बैक धर्मपेट रामदास पेट पेड, सदर कहाँ का नहीं घूमे चलिए श्रीनाथ की पाव भाजी भी खाई <laughs> चलो किसी को नेता की शौक है कोई भी नहीं ओके अपन बना देते हैं किसी को चले अनुजा को बनाते हैं सीए उन्होंने बोला क्या बार बार सिया अनुजा And she says, Chartered Accountant. Chalare, Chaldi, come on. Ready, ready, ready to answer. Subsupply answer, then wale Do anything, President ICA. So, Anujah Srimal, Chartered Accountant, President ICA, uh, ICAI. And she's done what? Become and एफ सी ए बताइए दोस्तों क्या अनुजा को गिल्टी माना जाएगा? गिलतीन प्रेसिडेंट ऑफ दूट अनुजाजें क्या इस पर्टिकुलर केस में आपको गिल्टी माना जाएगा अब तो आप एक चीज कहेंगे कि सर दो डेजिग्नेशन है अगर ये सेम प्रैक्टिस है तो भी guilty नहीं है तो भी guilty पर आप समझो तो सही कितनी प्रॉब्लम होगी अनुजा को क्यों क्योंकि वो क्यों, एचुअल में प्रेसिडेंट है जी इंस्टीट्यूट की अब वो गई मिलने जाती है तो अपने विजिटिंग कार्ड में लिख नहीं सकती है प्रेसिडेंट आई जी तो मालूम पड़ा विजिटिंग कार्ड किसी को भी दे रही है उसमें सिर्फ चार्ट अकाउंटेंट लिखा है और वो वर्बल ही कह रही है आप समझिए इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ऑफ अमेरिका के ऑफिस में गई और उनकी मीटिंग थी वहाँ के प्रेसिडेंट से तो वो गई और उन्होंने बोला अच्छा चल अनुजाइस प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और वहाँ पर जो लेटी बैठी थी उसने कहा वो वेलकम नहीं है, वो pen given, वो पेंसिल से पेंसिले प्रेसिडेंट आई देस्ट ने कार्ड दे दिया डोनाल्ड ट्रम्प टू बी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बुला ये कौन है उसने बोला दिस इज मी वाई आर यू जोकिंग उसने कहा हु तो क्या ऐसी खिलिया उड़ेगी प्रैक्टिकली दिक्कत है यार तो ये भी एक तरह से गिल्टी हो जाते आप तो इसके लिए क्या किया गया यहां पे तो आप गिल्टी हो बस नहीं चलेगा इसलिए इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइन दिया और इसमें कहा केस अगर आपके पास सीए इंस्टीट्यूट की कोई ऑफिस पोजीशन है तो उस केस में इंस्टीट्यूट आपके कार्ड छाप के देगा आप मत छापना आप आपकी फर्म के जो भी कार्ड छापोगे अपने छापोगे उसमें लिखना मत आप प्रेसिडेंट आईसीआई हो या ब्रांच के मैनेजर हो या चेयरमैन हो या कुछ भी हो कुछ नहीं लिखना तुम्हें इंस्टीट्यूट का इंस्टीट्यूट छाप के देगा इंस्टीट्यूट आपके नाम के पहले प्रीफिक्स लगा देता है सीए का और चार्टेड अकाउंटेंट डिजिग्नेशन लिखने की बजाय जो भी आपकी ऑफिस पोजिशन है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल मेंबर वो लिख के दे देता है आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस भी दे देता है कार्ड के रिवर्स साइड पर फर्म का नाम वगैरह नहीं देगा आपका एड्रेस भी दे देगा लेटर रेट सिर्फ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के नाम के बनते हैं बाकी किसी के नाम के नहीं बनते सिर्फ लिखा हुआ रहता है लेटर रेट पे फ्रॉम द डेस्क ऑफ चेयरमैन ऑफ इंदौर ब्रांच दिल्ली ब्रांच नागपुर ब्रांच जमशेदपुर ब्रांच वट एवर ब्रांच तो ध्यान रखना ये इंस्टीट्यूट देगा और जैसे ही आपकी पोजिशन खत्म हो जाएगी टर्म खत्म हो जाएगा आपके पास बची हुई स्टेशनरी आपको लौटाना पड़ेगी नहीं तो आप गिल्टी हो जाओगे आप उसे अपने खुद के आप यूज़ करो जहां भी यूज करना है यूज करने में रिस्ट्रिक्शन नहीं है पर टर्म खत्म होने के बाद बचा हुआ लौटा देना होगा तो ये एक चीज है इन सब के अलावा दो एक्सेप्शन है दोस्तों जिसको आपको ध्यान रखना है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने की परमिशन दी गई है रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनने की परमिशन दी गई है क्योंकि ये दोनों कंपनीज एक्ट या कोई पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत दिए गए कोर्स है और इस पर स्पेसिफिक गाइडेंस है कि ये डेजिग्नेशन यूज की जा सकती है विदाउट रिस्ट्रिक्शन इसलिए एक चार्ट अकाउंटेंट अगर इन प्रैक्टिस है और वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का भी काम कर रहा है

अभी आप चाहें तो यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड रजिस्टर्ड वैल्यूअर डेजिग्नेशन आर परमिटेड इवन अलोंग विथ चार्टेड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन एक्सेप्शन आगे है लिखा हुआ क्लास सेवन से में क्यों क्लास सेवन में बताऊंगा आपको ये सेम प्रोविजन आगे भी दिए हुए मैं वापस से डिस्कस करूँ इसके अलावा अगर आपने कभी सीए इंस्टीट्यूट का डी एक कोर्स होता है वो किया है तो उसे ऐसे लिखते हैं आई ए ब्रैकेट में आई सी आई तो ये ध्यान रख ये आपके पूरे प्रोविजन है बाकी रही बात मर्चेंट बैंकर एडवाइजर टू इश्यू टैक्स कंसल्टेंट मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी पोजिशन इन क्लब कई बार होता है ना सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स क्लब प्रेसिडेंट ऑफ लाइन्स क्लब तो ये सब भी आप नहीं लिख सकते कभी मैं बोलूँ मैं दो विजिटिंग कार्ड बना लूँ एक में मैं अपने आपको डेजिग्नेट कर दूँ चार्ट अकाउंटेंट और दूसरे में डेजिग्नेट कर दूँ प्रेसिडेंट रोटरी क्लब नहीं चलेगा बना ही नहीं सकते अगर आप सी एन प्रैक्टिस होना तो नहीं चलेगा जीएन प्रैक्टिस नहीं हो तो या तो आप चार्ट अकाउंटेंट यूज़ करो या कोई और यूज़ करो दोनों मत करो अलग अलग कार्ड में करेंगे जी एन प्रैक्टिस नहीं है चल सकता है बट सी एम प्रैक्टिस पर रिस्ट्रिक्शन कभी सर मुझे एडवोकेट का भी सीओपी मिल गया बार काउंसिल ने दे दिया और सीए का भी सीओपी है तो ऐसे केस में इंस्टीट्यूट ने गाइडेंस दिया अपना आगे कवर करेंगे कि आप दो विजिटिंग कार्ड यानी दो स्टेशनरी अलग अलग रख सकते हो ऐसा नहीं कि फ्रंट में चार्टेड अकाउंटेंट बैक साइड में एडवोकेट लिख दिया अलग अलग स्टेशनरी बना लीजिए जहाँ पे भी आप लीगल वर्क कर रहे हो वहाँ एडवोकेट लिख दीजिए जहाँ पे आप सीए का काम कर रहे हो वहाँ चार्टड अकाउंटेंट लिख दीजिए वो परमिट आप कह सकते हो ये भी एक तरह का आपके ये एक्सेप्शन है ये सब आगे आएगा यहाँ लिखा हुआ भले ही नहीं बाकी मैंने आपको बता दिया मेंबरशिप फॉर इंस्टीट्यूट की जिनके साथ एम ओ यू एम आर है तो उसका भी आप नाम लिख सकते हैं मर्चेंट बैंकर वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसी के साथ ये कंप्लीट हो जाता है सेक्शन सेवन इज इम्पॉर्टेंट एंड ब्रांच ऑफिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट किसी के डाउट एड एमेशन पर तो पूछो नहीं तो फिर आगे बढ़ते कोई भी मन में सवाल आ रहा है बंदास्त पूछो कोई केस बनाने की इच्छा हो रही है वॉटिफ आ रहा है पूछो एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए लास्ट वाला केस नो प्रॉब्लम देर यू गो देखो पूछने का फायदा प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू डेजिग्नेशन सेक्शन सेवन बाद में देखेंगे क्लास सेवन पार्ट वन शेड्यूल वन प्रोविजन क्या कहता है नंबर वन प्रिफिक्स कोई दिक्कत नहीं है जितने लगाना है लगाओ सी ए लगाना है पहले बाद में लगाओ दूसरों के साथ लगाना है लगाओ सफिक्स पे कोई प्रोविजन ही नहीं है डिग्रीज एब्रीविएशन में यूज करना चाहते हो रेकग्नाइज यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉरन बॉडीज जिनके साथ एमआरए उनकी जैसे बी कॉम एल एल बी यूज कर सकते हो इंस्टीट्यूट का अगर आप डीसा कोर्स करते हो तो लिखना आई एस ए ब्रैकेट में आईसीआई अब डेजिग्नेशन डेजिग्नेशन मतलब जब आप अपने आप को डेजिग्नेट या डिस्क्राइब करते हो जैसे कि इनकम टैक्स कंसल्टेंट मर्चेंट बैंकर फाइनेंशियल एडवाइजर इंश्योरेंस एडवाइजर चार्ट अकाउंटेंट मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्रेसिडेंट डायरेक्टर ये सब डेजिग्नेशन डिस्क्रिप्शन है रूल इज इफ यू आर अ चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस यू कैन यूज ओनली वन डेजिग्नेशन चार्टेड अकाउंटेंट एंड नो अदर बट इफ यू आर नॉट अ चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस या तो आप चार्टेड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन यूज कर लें या बाकी कोई भी और कितनी भी डेजिग्नेशन यूज कर लें इस पूरे रूल का एक्सेप्शन है कि अगर आप इंसॉलवेंसी प्रोफेशनल या रजिस्टर्ड वैल्यूअर भी हैं तो ये दोनों डेजिग्नेशन आप एडिशनली यूज करोगे तो चलेगा वेदर यू आर असियन प्रैक्टिस एंड यूजिंग चार्टेड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन ऑलरेडी और नॉट तो एक तरह से आप चार्टेड अकाउंटेंट के साथ ये एडिशनल डेजिग्नेशन यूज कर सकते हो सिर्फ दो एक्सेप्शन है रजिस्टर्ड वैल्यूअर और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इसके अलावा अगर आपके पास ड्यूअल सीओपी है जैसे कि आपको आईसीआई की सीओपी है और आपको बार काउंसिल ने एडवोकेट की भी दे दी तो दोनों में आप डेजिग्नेशन सॉरी दोनों की स्टेशनरी अलग रखना और एक साथ चार्टेड अकाउंटेंट और एडवोकेट डेजिग्नेशन यूज मत करना अलग अलग कर सकते हो लास्ट अगर आप आईसीआई के ऑफिस बैरर हैं तो आईसीआई आपके कार्ड प्रिंट करके आपकी स्टेशनरी प्रिंट करके आपको देगा जिसमें वो जो पोजीशन आप होल्ड कर रहे हो प्रेसिडेंट आईसीआई चेयरमैन ब्रांच लिख के देगा आप खुद के जो कार्ड प्रिंट करते हो उसमें आईसीआई की जो पोजीशन आपने होल्ड की है वो लिख के नहीं दे सकते दिस इज समरी ऑफ सेक्शन सेवन कोई नीचे नोट डाल दो सेक्शन सेवन सब देख चलिए अब आते हैं सेक्शन मेंटेनेंस ऑफ ब्रांच ऑफिस दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्लियर ब्रांच ऑफिस खोलने में कोई दिक्कत है क्या एक सीए इन प्रैक्टिस की बात हो रही एक सीएन प्रैक्टिस चाहता है कि बहुत जगह अपना काम फैले हर शहर में अपनी ब्रांच कोई दिक्कत है क्या नहीं है दिक्कत खोल लो जितनी खोलना है खोल। क्यों मना करेगा काम बढ़ा रहे हो अच्छी बात है <laughs> प्रॉब्लम ऐसा है कि लोग इसे ऐसा मार्केटिंग टूल यूज कर लेंगे कैसे मालूम पड़ा कोई टेंडर आया जिसमें बोला कि भाई वी आर लुकिंग फॉर इंटरनल ऑडिटर्स टू सी एम हैक्रॉस द कंट्री नया नया सी ए बनाए उसका खुद का ऑफिस शेड है सुबह सीए का ऑफिस चलता है शाम को डिसको थेक में बदल जाता है रेंट नहीं पुरा रहे क्या करें ऐसे ही चल रहा है तो उसने टेंडर की एप्लीकेशन में लिख दिया उसने इधर भारत का मैप रखा जितने बड़े बड़े डॉट वाली सिटी दिख रही थी लिख दिया हमारी सब जगह ब्रांच हर जगह उसका कोई यार दोस्त रिलेटिव रहता था, था उनसे बात करके वहां का फोन नंबर भी डाल दिया कि कोई लगाए कभी फोन तो बोल देना है आप बताइए क्या ऐसा करने पर सीए को गिल्टी माना जाएगा क्या खोल दी हमने ब्रांच जब बना ही नहीं है तो खोल देंगे तो ये तो गलत है ना क्योंकि ऑथेंटिसिटी नहीं है आप बोल रहे हो ब्रांच है पर ही नहीं दिखाने की तो इसके लिए इंस्टीट्यूट ने बोला भैया रेगुलेट करना पड़ेगा तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि हमें रेगुलेट करने की चाहत तभी है जब आप ब्रांच ऑफिस मतलब एक ऐसा ऑफिस जिसे आप अपनी ब्रांच दिखाते हो वेबसाइट पे टेंडर डॉक्यूमेंट पे विजिटिंग कार्ड पे कहीं पर भी या जहां पे फॉर्म का नेम बोर्ड टांगते हो इन फैक्ट डेफिनेशन में लिखा है ब्रांच ऑफिस मीनस एन ऑफिस अदर देन द मेन ऑफिस ऑब्वियसली जब आप रजिस्टर करते हो ऐसे प्रैक्टिसिंग सी है तो आपको अपने पहले ऑफिस का नाम देना पड़ता है जहां पे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ब्रांच खोल रहे हो तो बताना पड़ेगा मेन कौन सी है ब्रांच कौन सी है तो ब्रांच ऑफिस का मतलब इन्होंने क्या बोला है ऑफिस वेयर द नेम बोर्ड ऑफ द फॉर्म इज बीन अफिक्सड और इट इज एडवर्टाइज्ड एज अ ब्रांच और स्टेटेड एज अ ब्रांच इन एनी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट स्टेशनरी वेबसाइट एक्सेट्रा तो दो मिनट के लिए आप समझो कि लेट्स ये फॉर एग्जाम्पल आप नागपुर में प्रैक्टिस कर रहे हो अभी आपने बोला कि यार मैं सदर में रहती हूँ और वो धर्मपेट बहुत दूर है और पास में रामदास पेट है और मुझे सब जगह क्या करना है ब्रांच खोलना है क्यों तो हमने हर जगह एक एक ऑफिस खोल दिया है क्यों क्योंकि हमारे क्लाइंट सब जगह फैले हुए हैं तो अब आर्टिकल्स क्या होते हैं पहले ऑफिस आते हैं फिर इतनी दूर जाते हैं टाइम लगता है तो हमने हर जगह ऑफिस खोल दिए आर्टिकल्स वगैरह आते हैं वहाँ पे अपना बैग वैग रखते हैं पंचिंग करते हैं और फिर काम पे चले जाते हैं कोई भी जगह हमने हमारी वेबसाइट पे कोई डॉक्यूमेंट में नहीं बताई है कि हमारी शेयर में ये पाँच जगह ब्रांच है ना कहीं भी हमने फॉर्म का नेम बोर्ड भी लगा रखा है ताले की चाबी दे रखी है आर्टिकल को खोलता बंद करता चले जाता है कोई दिक्कत नहीं है ये सेक्शन नहीं लगेगा आपकी ब्रांचेस पे ब्रांच तभी है जब आप उसे बताओ ये मेरी ब्रांच है अदरवाइज इंस्टीट्यूट को कोई प्रॉब्लम नहीं है पर अगर आप फॉर्म का नेम बोर्ड लगाओगे या कहीं भी बताओगे कि यहाँ मेरा ऑफिस है तो इंस्टीट्यूट कहता है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बस कुछ बातों का ख्याल रखना सबसे पहली बात ब्रांच खोलने या बंद करने के थर्टी डेज के अंदर अंदर हमें इतला करना कि हमने यहाँ ब्रांच खोली है या बंद करी है जब भी ब्रांच खोलोगे तो हमें आप ये भी बताना कि उस ब्रांच का मेंबर इंचार्ज कौन है इसका मतलब आपको हर ब्रांच पे एक मेंबर इंचार्ज रखना होगा ये मेंबर इन चार्ज कौन होगा हमने बोला अरे हमारे तो दोस्ती ही इन सारे शेयरों में उनका नाम देते थे नहीं इस मेंबर इन चार्ज के साथ आपका रिश्ता होना चाहिए कैसा रिश्ता सर या तो वो आपका फुल टाइम एम्प्लॉई है पार्ट टाइम या वो आपका पार्टनर प्रोफेशनल रिश्ता दोस्त ऐसे कितने रिश्ते बनाएंगे तो या तो वो मेंबर आपका टाइम या फिर वो आपका पार्टनर है तो ही आप उसे इंस्टीट्यूट को इतला करते समय बता सकते हो ये मेरा मेंबर चार्ज है एक मेंबर को एक ही ब्रांच का चार्ज दिया जा सकता है तो ऐसा नहीं कि आपने एक मेंबर के से ही दस ब्रांचे खोल दी और उस भाई को उस पर्टिकुलर ब्रांच पे साल में 182 डेज मिनिमम जाना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि बस आपके पास दस पार्टनर है तो आपने क्या कर दिया दस ब्रांच खोल दी और बोल दिया ये इसका ये इसका ऐसे मैच द मैज नंबर वन आप मेंबर बताइए कौन इन चार्ज है उस ब्रांच का वो आपका फुल टाइम एम्प्लॉई या पार्टनर होना चाहिए सेकंड इस भाई को उस ब्रांच पे कम से कम वन एट्टी टू ईयर जाना होगा विजिट करना होगा इसके लिए कोई रजिस्टर वगैरह नहीं बनाना इंक्वायरी तो प्रूव करना पड़ेगा बट ये प्रैक्टिकल बात है कि कई बार ब्रांच ऑफिस पे आप शायद ना भी जाओ क्योंकि क्लाइंट लोकेशन पे हो कुछ हो तो इंस्टीट्यूट ने यह भी बोला है कि या तो आप ब्रांच पे विजिट कर लो वन एट्टी टू डेज इन ईयर या फिर आप उस शहर में रिसाइड कर लो जिस शहर में आपने ब्रांच ओपन करी है फॉर वन एट्टी टू डेज इन अयर मिनिमम तो माना जाएगा कि आपने ब्रांच ऑफिस खोलने के सारे नियम का पालन किया है फिर ब्रांच खोलने में कोई दिक्कत एक बार फिर से बोलेंगे ब्रांच ऑफिस के प्रोविजन में क्या कहा गया in अच्छा, है सी एन प्रैक्टिस अच्छा याद ध्यान रखना ये सारा प्रोविजन इन इंडिया के लिए आउटसाइड इंडिया इंडिया आईसीआई सेटअप नहीं करने देगा आपको ब्रांच करने देगा तो फिर ऑब्वियस बात है वो वहां के लॉस के अनुसार डिपेंड करेगा कि अलाउड है या नहीं ईच वन ऑफ सच ऑफिस शैल बी इन सेपरेट चार्ज ऑफ अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट सेपरेट चार्ज यानी वन ब्रांच वन मेंबर एक्सक्लूसिव होना चाहिए हर ब्रांच के लिए चाहे तो काउंसिल एग्जाम कर सकती है किसी सीएन प्रैक्टिस को या किसी सीए को ब्रांच में मेंबर इंचार्ज रखने की या उसका इंटीमेशन देने की ठीक है ये पावर तो हमेशा ही रहते ब्रांच ऑफिस का मतलब क्या है जहां पे या तो नेम बोर्ड फिक्स किया गया है या जिसे एडवर्टाइज या डेजिग्नेट किया जा रहा है ब्रांच इन प्रोफेशनल स्टेशनरी वगैरह मेम्बर इंचार्ज का नियम क्या है नियम है कि एक तो वो सीए है मेंबर होना चाहिए ये तय यानी कि अगर आपका कोई फुल टाइम एम्प्लॉई है जो रिटायर्ड इनकम टैक्स कमिश्नर है पर सीए नहीं है। और वो रहता है एक सौ अस्सी दिन वन एट्टी टू डेज विजिट भी करता है तो भी नहीं चलेगा सीए होना अनिवार्य है और पार्टनर या फुल टाइम एम्प्लॉई है पार्ट टाइम भी नहीं चलेगा प्लस एक वन एट्टी टू डेज उसे प्रूव करना है टू तो डेज का टेस्ट यानी या तो वो शहर में रहे जहाँ ब्रांच है या विजिट करें अगर आपने यह सब किया तो माना जाएगा कि आपने ब्रांच ऑफिस के प्रोविजन का पालन किया अच्छा ये आपके नॉर्मल प्रोविजन हैं, इनके आप कुछ एक्सेप्शन प्रोविजन क्लियर है ये सब तो ये तो अपन ने समझ लिया मेंबर इन चार्ज ये भी आपने समझ लिया ब्रांच किसे बोलते हैं समरी और कुछ नहीं है जो पढ़ा है उसकी हाँ एक और प्रोविजन है आपको थर्टी डेज के अंदर अंदर आईसीआई को ब्रांच ओपन और क्लोज होने का इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा ठीक है एक और चीज़ ध्यान रखना का नेम बोर्ड जहां पे ब्रांच है वहीं लगा सकते हैं रेजिडेंस पे फर्म का नेम बोर्ड लाना अलाउड नहीं है हाँ आप रेजिडेंस पे ब्रांच खोल रहे हो तो बात ही अलग हो फिर वो आपकी ब्रांच भी है रेजिडेंस भी है या ऑफिस भी है रेजिडेंस है तो आप नेम बोर्ड लगा ज इन मतलब यह है कि आप जहां पे ऑफिस है वहां नेम बोर्ड लगाओ घर पे नहीं लगाओ ऐसा मत करना कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और बोले कि घर पे हमने फॉर्म का नेम बोर्ड लगा दिया तो आप बोलो उसे ब्रांच मान लिया जाए लगा ही नहीं सकते ऐसा लिखना है कि इट इज नॉट परमिटेड टू पुट द फॉर्म नेम बोर्ड एट ऑफिस सॉरी एट रेसिडेंस ये मत लिखना उसे ब्रांच मान लें बस ये लिखना अलाउड नहीं नियम है जनरल रोल वन पर्सन वन ब्रांच मेंबर चेंज हो सकता है कि अगर कैजुअल वैकेंसी हो जाए तो हो सकता है कि भाई साल के बीच में डेथ हो गई रिटायर हो गया रिजाइन कर दिया तो फिर बच्चों में पीरियड के लिए दूसरा ले आओ ठीक है कोई तो रजिस्टर वगैरह की बात नहीं नॉर्मल प्रोविजन है ये सब डिस्कशन अब एग्जामिशन पढ़ना है दो एग्जामिशन एक्सेप्शन है पहला एक्सेप्शन है सेकेंड ऑफिस इन सेम प्रमाइज सिटी और फिफ्टी किलोमीटर रेडियस ऑफ द सिटी ऐसे ही कहता है कि अगर आपका मेन ऑफिस है और कोई ब्रांच ऑफिस नहीं है तो आप एक ब्रांच ऑफिस जैसे सेकेंड ऑफिस का आ जाएगा सेकेंड क्यों बोला है क्यों क्योंकि अगर लेते हैं आपकी ऑलरेडी पांच ब्रांच है एक मेन ऑफिस है और अब आप ये एक्जशन लेना चाह रहे हैं एक और ऑफिस खुल के तो नहीं मिलेगा ये तभी मिलेगा जब आपका कोई दूसरा ऑफिस नहीं है भैया रेलगाड़ी में एक डब्बा लगा फिर उसके पीछे दूसरा डब्बा लग भारत सरकार ने बोला है कि हर रेलगाड़ी में हम एक डब्बे में क्या करेंगे तो भारत सरकार ने बोला है कि आपकी रेलगाड़ी के दूसरे डब्बे में हम फ्री में तेल भरेंगे समझो तो पहला डब्बा लगा क्या बोला दूसरे में फ्री में भरेंगे दूसरा भी लग गया तीसरे में हमने बोला फ्री में भर दो ये नहीं चलेगा भाई सर जमा नहीं कुछ एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल सरकार की एक स्कीम है जिसके अंतर्गत कहा गया है दैट द सेकेंड चाइल्ड विल बी प्रोवाइडेड फ्री एजुकेशन इफ इट इज अ गर्ल चाइल्ड पहला बच्चा होगा दूसरा लड़का हो गया तीसरी लड़की हो गई हमने बोला भैया इस पे दे दो फ्री एजुकेशन प्रोविजन क्या है सेकेंड गर्ल ऐसा नहीं है वन गर्ल चाइल्ड तो यहाँ पे क्या है सेकेंड ऑफिस है ऐसा नहीं है एडिशनल ऑफिस तो आपका एक ही ऑफिस है और दूसरा ऑफिस की बात हो रही तो इंस्टीट्यूट ने बुलाया अगर आपका एक मेन ऑफिस है और आपको एक और ऑफिस खोलना है सेम प्रेमाइस में सेम प्रेमाइस यानी क्या होता है आप कई जगह आप जाओगे जैसे डीएलएफ पार्क को लगाओ बड़ा सा कॉरपोरेट पार्क है मुंबई में अगर आप रहते हो लच्चे कमला मिल कंपाउंड बड़ा ऐसा कंपाउंड है वहाँ पर बहुत सारे ऑफिस हैं बिल्डिंग की बिल्डिंग के, building के. कुल्ला कॉम्प्लेक्स देख के लगता है एक बिल्डिंग क्या <laughs> बहुत बड़ा एरिया तो वहां पे अगर आप एक और ऑफिस खोलना चाह रहे हो तो इट इज सेम प्रमाइस या सेम सिटी यानी मुंबई शहर में एक और या अपने शहर के पचास किलोमीटर के राय एक और ऑफिस सेकंड ऑफिस एक और नहीं सॉरी एडिशनल ऑफिस ओपन करना चाह रहे हो तो बिना मेम्बर इंच झीले अपनी जिंदगी कर ले कोई दिक्कत आपको मेंबर इंचार्ज रखने की जरूरत नहीं बस क्या ध्यान रखना है आपको यहां कि सेकेंड ऑफिस जो है आपका वो सेम प्रमाइज में हो सेम सिटी में हो या फिफ्टी किलोमीटर रेडियस में अब रेडियस कैसे काउंट करना है तो जो आपका मेन ऑफिस की मुंसिपल लिमिटेड सिटी की उससे फिफ्टी किलोमीटर्स बोले तो आप ऐसे देखो यह आपका मेन ऑफिस है यहां पे ठीक है एक बिल्डिंग है अपनी ये एक अपना छोटू सा ब्रांच ऑफिस है इधर तो आपको डिस्टेंस जो देखना है ना ये मेन ऑफिस की सिटी की म्यूनिसपल लिमिट से ही है तो आपकी सिटी की म्यूनसिपल लिमिट से काउंट करनी है बस इधर से यहां से आप एरियल डिस्टेंस देखोगे ब्रांच ऑफिस तक का यानी ब्रांच ऑफिस की म्यूंसिपल लिमिट तक का नहीं तो समझो ये थर्टी फाइव किलोमीटर है ये टेन है तो फोर्टी फाइव किलोमीटर हो गया फ्रॉम लिमिट यानी ओके जबकि यहां से अगर आप पूरा काउंट करते तो ये पंद्रह और जुड़ के सिक्सटी हो जाता तो वो नहीं करता तो ये दूसरी सिटी में तो भी चलेगा अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ सपोज अपना सिटी एक्स है जहां पे अपना मेन ऑफिस जो है वो है यहां पर और सेम सिटी एक्स में ही अपना सेकेंड ऑफिस है वो है यहां पे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत बड़ा सिटी है रे सिक्सटी किलोमीटर गए बड़ा सिटी है फैले लाए चलेगा क्या हम यस बिकॉज सेम सिटी है सेम तो सिटी में डिस्टेंस नहीं देखना है। दूसरा सिटी है तो डिस्टेंस देख ऐसा है आई होप दिस इज क्लियर अभी इसमें क्या है थोड़े से लफड़े हैं पंगे हैं दिक्कतें हैं क्या इंस्टीट्यूट ने जो कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे हैं ना उसमें वो सब एरिया इस तरह के शब्द यूज करता है जी आ चार्टेंड एंड प्रैक्टिस सोल प्रोपराइटर ऑफिस इन मुंबई नियर चर्च गेट इंक्रीज प्रोफेशनल वर्क ओपन ऑफिस इन अ सबर्बन एरिया ऑफ मुंबई विच इज अप्रोक्सीमेटली एट्टी किलोमीटर अवे फ्रॉम इज एग्जिस्टिंग ऑफिस सो देर आर टू प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन पहला प्रॉब्लम सबर्ब अ डिफरेंट सिटी दंसर इज यस आईसीआई अज्यूम्स आप चाहो तो वहीं पे लिख लो बेहतर है ये बात है में लिखा नहीं है इसमें क्यों क्योंकि क्वेश्चन के एजाम्शन है इसलिए आप नोट करना चाहें तो लिख लें इन आई सी आई क्वेश्चन ऑन ब्रांच ऑफिस if it is not clearly defined assume two things suburb is a different city vera assumption two distance given फ्रॉम मेन ऑफिस इज assumed as distance from municipal limits as well. क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो आपके पास चॉइस नहीं होगी आपको मजबूरी में यही करना पड़ेगा यू विल नॉट हैव अ चॉइस will not have a choice let's see the question again g is a chartered accountant in practice office in mumbai near Churchgate. gate another office in suburb of mumbai approximately 80 kilometers from his existing office एट्टी किलोमीटर हमें एग्जिस्टिंग ऑफिस से नहीं चाहिए मुंसिपल लिमिट्स ऑफ मुंबई से चाहिए जो तो दिया ही नहीं है अनिंग द न्यू ऑफिस यू एम्प्लॉइज थ्री रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर इजी गिल्टी तो दो क्वेश्चन है इसमें पहला क्या ये सेकंड ऑफिस एग्जामेशन के लिए एलिजिबल है तो हम लिखेंगे बिकॉज द डिस्टेंस इज एटी किलोमीटर विच इज अज्यूम टू बी फ्रॉम द मुंसिपल लिमिट्स ऑफ द सिटी एंड सब अर्बन एरिया दिस विल नॉट बी एलिजिबल फॉर सेकेंड ऑफिस एग्जामेशन

ऐसे लिखना है और ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन नेक्स्ट के प्रोपराइटर चेन्नई सबर्ब ऑफ चेन्नई इंक्रीज वर्क अनादर ऑफिस नियर इनकम टैक्स ऑफिस रिटायर्ड इनकम टैक्स कमिश्नर वंस अगेन सबब अपॉइंटेड इनकम टैक्स कमिश्नर डिस्टेंस इज नॉट प्रोवाइडेड तो यहाँ पे इन्होंने अज्यूम कर लिया है कि सेकेंड ऑफिस इज विद इन अ डिस्टेंस ऑफ फिफ्टी किलोमीटर फ्रॉम मुंसिपल लिमिट इसलिए कोई मिसकंडक्ट नहीं है बट उसे ये बताना है कौन सा मेन ऑफिस है ऑफिस ही बात है आप ऑल्टरनेटिव व्यू भी ले सकते थे कि दैट डिस्टेंस इज मोर देन फिफ्टी किलोमीटर देन ही बी लाइबल फॉर मिसकंडक्ट क्योंकि सबर में तो अलग सिटी माना हुआ है दोनों आंसर ऑल्टरनेट आंसर भी सही होता तो है तो ये क्वेश्चन की प्रॉब्लम है ऐसे इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन में इश्यूज है तो ये जो क्वेश्चन है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है सोल प्रोपराइटर है यहां पे भी लिखा है सबर पे इनकम टैक्स वर्क अनादर ऑफिस थर्टी किलोमीटर फ्रॉम विच इज विद इन ओ सॉरी लेट्स रीड द होल थिंग सॉरी ओपन अनादर ऑफिस नियर इनकम टैक्स ऑफिस विच इज विद इन दिटी एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर ये लाइन यहाँ पर मिसिंग थी यहां पे लिखी हुई है तो जैसे ही बोल दिया विच इज विद इन द सेम सिटी अब हमें थर्टी देखने की जरूरत नहीं हम सिंपली बोलेंगे बिकॉज़ देर इज नो मिसकंडक्ट क्यों क्योंकि सेम सिटी हो गया थोड़ा सा स्टडी आई मीन क्वेश्चन में इशू ग्रोप राइटर चार्टेड अकाउंटेंट फॉर्म In practice, office is in busy belt of a city has difficulty in attending to consultancy need of client which are mostly located in industrial cluster which are nearby outskirt at 26 km distance from the office of the firm. To ease of business, facilitation center was opened in the industrial cluster. Managed both office and facilitation center himself. No intimation was given to ICI. Is there any misconduct? So, you can open it Facilitation center is branch office. To hai. हम अज्यूम करेंगे अपने जेंडर, जेंडर है फिर उनका नेम बोर्ड लगा ही होगा बताइए यहाँ पे सेंडर है तो ये ऑफिस ब्रांच मानी जाएगी और अगर ब्रांच ऑफिस है तो आपको क्या करना था तो ट्वेंटी सिक्स किलोमीटर ऑफ ऑफिस है तो सेम सिटी नहीं भी हुआ तो भी चलेगा क्यों क्योंकि विद इन फिफ्टी किलोमीटर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये सेकेंड ऑफिस एग्जामेशन के लिए एलिजिबल है बट दिस इज अवेलेबल बट मिसकंडक्ट इसलिए है क्यों क्योंकि आपने इंटीमेशन नहीं दिया ध्यान रखना हर ऑफिस का इंटीमेशन देना है भले ही वो एग्जाम्टेड ऑफिस तो इसके लिए आप यहां पे देखेंगे फाइनली कि देर इज नो प्रॉब्लम इन मैनेजिंग बोथ ऑफिस बट मिसकंडक्ट अराइज ड्यू टू नॉन इंटीमेशन टू द काउंसिल ऑफ तो अलग अलग तरह से आपको इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं और दूसरे एग्जामिशन पे आते हैं ये पहला हो गया नॉलेज कम टू द सेकंड टेम्प्ररी ऑफिस इन हिली एरिया हिल एरियाज ऑफिस यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है हिली एरियाज में भाई हो सकता है कि लोग आ नहीं पाए ठंड वन में तो क्लाइंट ही नहीं आ पाएगा तो क्या करोगे आर्टिकल को बुला के तड़ पाओगे ठंड में इसके लिए ऐसा कहा है कि भाई अगर आपका कोई भी ऑफिस मेन ऑफिस ब्रांच ऑफिस हिली एरिया में तो कोई भी नज़दीकी एरिया में आप अपना ऑफिस शिफ्ट कर सकते हो साल में मैक्सिमम एक बार और वो भी मैक्सिमम तीन महीने के लिए यानी ऐसा नहीं एक एक महीने के लिए तीन बार सिर्फ एक बार वो भी मैक्सिमम तीन महीने के लिए वेन यू शिफ्ट योर ऑफिस टू नियर बाय प्लेन एरिया ये जो ऑफिस है ये टेम्पररी ऑफिस है इसे प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं कहा जाएगा जैसे जीएसटी वगैरह में होता है ना तो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस वही कहलाएगा एक तरह से जीएसटी के लिए नहीं आईसीआई आई के लिए जो ओरिजिनल ऑफिस है इसे टेम्प्ररी ऑफिस कहा जाएगा आपको आईसीआई आई को खोलने है तीस दिन में और बंद करने के तीस दिन में इतला करना है और यहां पर आपको पुराना ऑफिस बंद करने की ज़रूरत नहीं है टेम्प्रेरी ऑफिस चला सकते हो जब तक चल रहा है तब तक वहां पर फॉर्म का नेम बोर्ड भी लगा सकते हो जैसे ही बंद करोगे हटा देना तो दोनों जगह नेम बोर्ड लगा हुआ रहेगा आपके ओरिजिनल ऑफिस में सिर्फ करस्पॉन्डेंट के लिए ऑफिस खुला रहेगा कोई काम नहीं होगा काम सारा टेम्प्ररी ऑफिस पे होगा तो ये एक एग्जाम्शन अवेलेबल है इसमें बस आपको इंस्टीट्यूट को इंटीमेट करना पड़ता है और प्रोविजन बड़ा अजीब सा है लिखा हुआ है यू हैव टू इंटीमेट इन विंटर्स आप अपना ऑफिस कब कर शिफ्ट करो तो क्या लिखा है इफ यू हैव हिली एरिया ऑफिस यू कैन ओपन अनादर ऑफिस इन प्लेन फॉर थ्री मंथ डू नॉट सी इट इज प्लेस ऑफ बिजनेस रेगुलर ऑफिस बंद करने की जरूरत नहीं है पर वहां बिजनेस नहीं करना इन रेगुलर ऑफिस इन्फॉर्म आई सी आई बिफोर कमेंसमेंट ऑफ विंटर एंड क्लोज ऑफ टेम्पररी ऑफिस ऐसा नहीं लिखा हैन शिफ्ट ओनली इन विंटर वो लॉजिकल सी बात है कि विंटर्स में ही प्रॉब्लम आएगी पर ऐसा नहीं लिखा लिखा गया है यू हैव टू तो इन्फॉर्म ड्यूरिंग विंटर्स और बिफोर द विंटर कमेंसेस कि आप कहाँ शिफ्ट कर रहे हो और बंद करने के तीस दिन में चला करना तो मैं विंटर शुरू होने से पहले मैंने अक्टूबर में इन्फॉर्म कर दिया कि भैया शिफ्ट कर रहा हूँ और अप्रैल में शिफ्ट करूंगा तीन महीने के लिए तो चलेगा टेक्निकली चलेगा पर अजीब सी बात है ऐसा होना नहीं चाहिए बट प्रॉब्लम है कि इसके ऊपर एक बार एक भयंकर क्वेश्चन आ गया मस्त एकदम आओ

यहां पे लिखा हुआ है हिल स्टेशन एस प्लान डी टूक ऑफिस पेज ऑन रेंट फॉर अप्रैल में जून अब ये तो क्या है समर्स से ये एक्चुअली गड़बड़ क्या हो गई इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन चुरा के लाया कहीं यू okay क्यों होगी कोई एग्जाम से और वहां क्या होता है अप्रैल में ही जून में ठंड पड़ती है हालांकि <laughs> यूरोप में भी ये ठीक ही होता है कहां से चुरा के लाए पता पड़ जाएगा ढूंढ लो कहां से? ठंड होती अप्रैल में जून में तो बदलना रह गया होगा एनी इन महीनों में उसने रेगुलर ऑफिस क्लोज नहीं किया दोनों का इंचार्ज था एक न्यूली क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में मदुराई में उसको मालूम पड़ा कि यह नया ऑफिस जेड का है तो यह तो कंपटीशन देगा तो उसने इन्फॉर्म कर दिया इंस्टीट्यूट को प्रोविजन वायलेट किया आपको बना दिया बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन ऑफ आईसीआई का मेंबर और बोला एक कताओ क्या करोगे कंप्लेन में तो आपको बोलना है क्या हिली एरिया ऑफिस है हाँ क्या आपने इसे कोई प्लेन एरिया में शिफ्ट किया है हाँ क्या आपने आईसीआई को इन्फॉर्म कर दिया है आप देखिए <coughs> अगर कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं क्या आपने तीन महीने के लिए ओपन कराए हाँ क्या रेगुलर ऑफिस बंद नहीं हुआ है नहीं हुआ है पर वहाँ कोई काम किया जा रहा है क्या ऐसा लगता नहीं रहा है आप बता दो अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हुई है तो कोई दिक्कत नहीं क्या क्या कंडीशंस है देख लीजिए अलाउड टू ओपन टेम्पररी ऑफिस इन प्लेन फॉर नॉट एक्सीडिंग थ्री मंथ्स रेगुलर नीड नॉट बी क्लोज करस्पॉन्डेंस कैन कंटिन्यू नेम बोर्ड शुड नॉट बी डिस्प्लेड अदर देन द पीरियड शुड नॉट बी मैंशनड एज अ प्लेस ऑफ बिजनेस बिफोर कमेंसमेंट ऑफ विंटर इनफॉर्म द इंस्टीट्यूट बाई रजिस्टर्ड पोस्ट तो यहाँ पे रेगुलर ऑफिस हिली एरिया का आपने डिसाइड किया है शिफ्ट करोगे तीन महीने के लिए क्लोज नहीं किया है दोनों के इंचार्ज हो कम बोलेंगे आप बेनिफिट ले सकते हो बस आपको क्या करना है इन्फॉर्म करना पड़ेगा तो बोल दिया है कोई पिनल एक्शन की जरूरत नहीं है और ये मिसकंडक्ट भी नहीं है प्रोवाइडेड अज्यूमिंग ये सारी कंडीशन फुलफिल तो अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में इसका नोट चाहिए आइडियली हो सकता था ब्रह्माष्टी बेहतर होता लिखते थे पर फिर ऐसे क्या है बहुत सारी थ्योरी हो जाती है पढ़ा के लगता है अच्छा है याद नहीं रहता है काम का तो इतना ही याद तो मैं इसे बोर्ड नोट्स में ऐड कर देता हूँ ये थ्योरी को ज्यादा बेहतर ये होगा कि आप रेफरेंस दे दीजिए ब्रह्माष्ट में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये प्रोविजन से सारे आई होप दिस इज क्लियर and this is your question number 19 इसी के साथ हमारा ब्रांच ऑफिस के पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है and this kind of completes the major portion of your initial part of your c act कल से अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो रियल एथिक्स है जिसमें अपन एक्चुअल में, में एडवर्टाइज नहीं कर सकता कमीशन बाजी नहीं कर सकता दूसरे प्रोफेशन में नहीं जा सकता सी प्रैक्टिस क्या कोचिंग पढ़ा सकता है या नहीं पढ़ा सकता सारी तुम्हारे इंटरेस्ट की चीज है That's it for